Soni, a student of Dr. D.J. Sutarwala, which we have heard in the past. He is director of Academy of Classical Homeopathy, constituted on 10th April 2011. Main purpose of the Academy is to make true homeopaths. Academy is doing outstanding work since 8 years. Many workshops have been organized on different topics. So let us hear today Dr. Rajesh on the topic which we are here to begin with. We welcome you, sir. Sound aa raha hai sabhi logon ko? Sound is perfect. And just try sharing screen, sir. Ho rahi hai? Hoga, wo bhi hoga. Achha, wo bhi hoga. Theek hai, okay. Now to you. ठीक है, आज हम लोग का जो टॉपिक है बर्बेरिस वल्गेरिस, राइट ना? तो बर्बेरिस वल्गेरिस अगर देखें हम लोग तो एक ऐसी सर आपने म्यूट हो गए हो, प्लीज एक बार. अभी तो आवाज क्लियर ना? यस सर. ठीक है, तो बर्बेरिस वल्गेरिस जो मेडिसिन है, जो होमपैथ हैं, नॉन होमपैथ हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल पर्सन से सभी लोग इसके बारे में जानते हैं. बर्बेरिस वल्गेरिस के बारे में जनरली जितने भी लोग हैं, शायद उन्होंने वो एक दिन के लिए कॉलेज ज्वाइन किया हो, चाहे उन्होंने कॉलेज कभी गए नहीं है, लेकिन हर कोई जानता है कि हाँ बर्बेरिस वल्गेरिस जो मेडिसिन है पथरी के लिए एक रेमेडी है. कई लोगों के माइंड में एक सेट है, उन्होंने बोला कि किडनी में स्टोन हो गया किसी को, तो उन्होंने बर्बेरिस, या कई लोगों के नाम से होता है कि बर्बेरी जो है उसको दे देना चाहिए, बर्बेरी जैसी मेडिसिन को खिला देना चाहिए. और सर्टेन होमपैथ और स्टूडेंट के माइंड में भी एक थीम बनी हुई है कि जो बर्बेरिस वल्गेरिस मेडिसिन है उसका मोस्ट ऑफ यूज किस चीज़ के लिए? किडनी स्टोन. और किडनी स्टोन के लिए केवल इसका यूज बताने की वजह से इस मेडिसिन को क्या कर दिया गया? निग्लेक्ट कर दिया गया होम्योपैथिक सोसाइटी के द्वारा. इसकी यूज को क्या कर दिया गया? बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया गया, क्योंकि इसके अदर जो स्पेयर ऑफ एक्शन है, अदर ऑफ कोर ऑफ मेडिसिन है, अदर्स इसका एसेंस ऑफ मेडिसिन है, जो कि किडनी के अलावा कई जो डिसीजेज हैं उनको वो ठीक कर सकते हैं. तो हम उसके बारे में कई बार जो होता है ना, तो स्टूडेंट ध्यान देता है ना होम डॉक्टर्स ध्यान देते हैं, और आम पब्लिक तो पब्लिक ही है कि उन्होंने बोला रीनल स्टोन जस्ट लाइक द जो पैथोलॉजिकल प्रिस्क्राइबिंग होती है कि किडनी स्टोन है, और वहाँ पर बर्बेरिस वल्गेरिस मेडिसिन उसको क्या कर दिया? प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया. तो एक तरीके से कहने का मतलब कि कई मेडिसिन है उसमें से बर्बेरिस वल्गेरिस मेडिसिन भी है जो कि कैसा है, मोस्ट ऑफ निग्लेक्टेड रहे मेडिसिन है, जिसको अदर स्पेयर ऑफ एक्शन की वजह से उसको छोड़ दिया गया कई लोगों ने इस मेडिसिन को. अगर हम देखें किडनी स्टोन तो हम लोग का है ही कोलेस्ट्रॉल को लेकर जो रिनल स्टोन और इसका डिफरेंशिएशन है अदर रेमेडी के साथ, वो तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे. लेकिन हम अदर्स इसका पूरा ऑफ अगर देखें मेडिसिन का, अगर इसके स्पेयर ऑफ एक्शन देखें तो ये मेडिसिन है कई जगह पर कैसा है जिसका बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है. किस लेवल पे? ये सपोज दैट कई बार होता है कि हमारे साथ में हमारे पास क्लिनिक को पेशेंट्स आते हैं, लॉट्स ऑफ पेशेंट जो हम लोग देखते रहते हैं अपने क्लिनिक पे, और कई बार ऐसा होता है कि जो आई के केसेस होते हैं, किडनी के केसेस हैं, लिवर के केसेस हैं, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम टाइप का केस चल रहा है, और वहाँ पे मेडिसिन देते जाते हैं और कई बार रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, और हम लोग परेशान रहते हैं कि यार क्या वजह हो सकती है. मेडिसिन तो करेक्ट है, पोटेंशियल तो करेक्ट है, फिर हम लोग को रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहा है? क्या रीज़न है कि हम लोग के साथ में क्या नहीं आ रहा, कोई रिजल्ट ही नहीं है इस चीज़ को लेकर? तो उस प्लेस पर अगर हम लोग देखेंगे तो कई बार होता है कि हम लोग के साथ में कैसा है, एक लिमिटेड नॉलेज होता है माइंड में, लिमिटेड एक्शंस रहते हैं मेडिसिन के, और जो मेडिसिन है उसके बारे में हम लोग माइंड में ज़्यादा डिटेल रहते नहीं है. और जितना हम मेडिसिन के बारे में जानते हैं, जो भी मेडिसिन है, हम केवल उसको उतने ही लेवल पे क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में लेके आ पाते हैं, और कई जगह पे हमारा मेडिसिन क्या हो जाता है, मिस हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे जाके अगर हम लोग देखें, अगर सपोज डेट हमारे क्लिनिक पे हम लोग बात करें, अगर प्रैक्टिकल इसको देखें, कोई पेशेंट आता है और पेशेंट एक ग्लूकोमा जैसी डिसीज से वो सफर कर रहा है, और ग्लूकोमा डिसीज को लेके उन्होंने बोला कि हमें क्या लग रहा है कि डॉक्टर साहब ग्लूकोमा हो गया है आंखों में, क्योंकि आजकल के जो पेशेंट्स आते हैं वो डेफिनेटली एफबी से और जो डॉक्टर से मिलके आते हैं अपने होम्योपैथी में मोस्ट ऑफ टाइम, तो उनके पास में अपना डायग्नोसिस पहले से होता है कि अरे डॉक्टर साहब ग्लूकोमा हो गया है, तो इसका कोई इलाज है क्या?
उन्होंने बोला डेफिनेटली बिल्कुल यार जी आप बैठिए भैया, क्या इसका तो क्या हो रहा है आँख में जाके? उन्होंने बोला नहीं ऐसा लग रहा है कि आँख में क्या है ना कोई जैसे मिट्टी एकदम से आ गई हो, आँख में सैंड लाइक सेंसेशन हो गया चल रहा है आँखों में, तो तुम देखो कि वहाँ पर जाके कि आँखों में जैसे कि मिट्टी से कुछ आ गई हो, कुछ आँखों में चला गया है। और कई बार तो ऐसा हो रहा है कि आँख में क्या ना बंद ही नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारा जो इनर कैंट था ये हम यहाँ पर थोड़ा सा हाथ लगाओ तो अजीब सा लगता है कि हाँ कुछ यहाँ पे ना कंकड़ फंसा हुआ है। या फिर कई बार होता है जो पेशेंट से उनके साथ में होता है उनको आईलिड में सेंसेशन होता है, अपने पेशेंट से पूछता है कि नहीं हमारा जो आईलिड है उसमें भी हमें क्या सेंसेशन हो रहा है, जो वहाँ पे जैसे कोई स्टोन है वहाँ पे कोई कंकड़ है कोई पत्थर वहाँ पे है, इस तरीके के सेंसेशन हमको आ रहे हैं इनर कैंथाई में। अब यहाँ पे बंडू ने बोला कि यार सैंड लाइक सेंसेशन, अच्छा सैंड लाइक सेंसेशन तो सल्फर में भी है, सैंड लाइक सेंसेशन तो पल्सेटला में भी है। जैसे हम लोगों ने सोचा कि सैंड लाइक सेंसेशन सल्फर में भी है पल्सेटला में है, और कई लोगों ने बोला कि आंसू आंसू भी आ रहे हैं क्या? हाँ यार आंसू भी आ रहे हैं, चलो यार ये तो यूफ्रेशिया में भी होता है क्योंकि एक्यूरेटनेस देखने को मिलता है। और हम लोग क्या करते हैं सर्टेन मेडिसिन पे घूम जाएंगे कि जहाँ पे हमने बोला कि सल्फर, क्योंकि सल्फर में क्या होता है उसको सैंड लाइक सेंसेशन होता है और उसको क्या एकदम से जो ठंडे पानी से वो कपड़ा भिगो के अपनी आंखों में लगाता रहता है और उसको आराम हो जाता है, तो हम लोग क्या सल्फर के साथ में होता है। तो हम हाल के उससे क्वेश्चन क्या करेंगे कि यार कुछ गीजा रखते हो अपने आंख के ऊपर तो कुछ आराम होता है कि नहीं होता है? अगर पेशेंट ने बोल दिया हाँ, अगर उसने थोड़ा हाँ कभी कभी डॉक्टर साहब हो जाता है कभी कभी नहीं होता है, तो हम लोग हाल के सल्फर प्रिस्क्रिप्शन में लेके आ जाते हैं, पल्सेटला को प्रिस्क्रिप्शन में लेके आ जाएंगे, अदर्स मेडिसिन को प्रिस्क्रिप्शन में लेके आ जाएंगे। लेकिन ग्लूकोमा जैसी डिसीज में हम लोग कभी बर्बेरस वल्गरस नहीं सोचेंगे, बहुत कम फिजिशियन होंगे, बहुत कम, ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं सोचेगा, लेकिन बहुत कम फिजिशियन होते हैं जिनके माइंड में कैसा होता है हमें से नहीं यार यहाँ पर तो बर्बेरस वल्गरस जैसी मेडिसिन भी क्या हो सकती है, हो सकता है यहाँ, लेकिन हमारे माइंड में नहीं आएगा, हम डिफरेंट ड्रग जो आई से रिलेटेड होंगे उनके बारे में सोचते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में होमोपैथ और जो होमोपैथिक स्टूडेंट है सर्टेन होमोपैथिक जो स्टूडेंट उनके माइंड में क्या है, अरे बर्बेरस का एक्शन तो क्या है ज्यादा से ज्यादा किडनी और उससे ज्यादा हुआ तो लिवर जी आई टी कंप्लेन को लेकर, इसके अलावा तो कोई एक्शन हमें देखने को मिलता नहीं इसका, इसके ज्यादा जो कहीं जो अपने क्लिनिक जिन्होंने ज्वाइन की हो तो कई बार उनके यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन सेम निकलते हैं तो स्टूडेंट के माइंड में सेट होता जाता है, लिमिटेड होता जाता है ना। और वहीं पे अगर तुम देखोगे कि सपोज जिस तरीके का पेशेंट है जो ग्लूकोमा से सफर कर रहा है उसको सैंड लाइक सेंसेशन हो रहा है इनर कैंथाई में, आईलिड में उसको सेंसेशन हो रहा है सैंड लाइक, और वहां पे तुम देखोगे अच्छा और क्या हो रहा है इसमें, ऐसा लग रहा है बिल्कुल आंख में ठंडा कुछ एकदम से सेट हो गया हो, आंख बिल्कुल ठंडी है अंदर से, ऐसा लग रहा है कोल्ड एयर जैसे अंदर चल रही हमारा, एकदम से आंसू आते हैं हमें, आंसू एकदम से लगता है कि जहाँ पे जाके आंसू होता है तो आंसू से हमारा प्रॉब्लम क्या होता है आंखों का बढ़ जाता है, जो अच्छा बढ़ जाता है तो आराम किस चीज़ से होता है, अरे डॉक्टर साहब हम आपको ना ऐसे ऐसे अपना प्रेस कर लेते हैं और सो जाते तो हमें आराम हो जाते हैं। अगेन वहाँ पे होते हैं प्रिस्क्राइबर्स जो हैं जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके माइंड में आता है आंख में प्रेशर हो रहा है, रबिंग से हो रहा है, रबिंग से होता है सॉर्ट ऑफ रबिंग से एम्बुलेशन हो रहा है पल्सेटला, बोला आंख में प्रेशर से आराम हो रहा है अगेन ब्राइनिया, अच्छा लेटनेस से भी आराम हो जाता है ब्राइनिया, और फिर हम इस बर्बेरस की जगह पे क्या प्रिस्क्रिप्शन करने चले जाते हैं ब्राइनिया जैसा काम, हम इस केस में कहाँ प्रिस्क्रिप्शन किस करने पे चलाएंगे पल्सेटला, और निग्लेक्ट क्या कर देंगे वर्वेरस वर्वेरस। तो वहां पे ऐसे केसेस हैं जो इस तरीके के जो केसेस आते हैं क्लिनिक के जहां पे जाके ग्लूकोमा जैसे जो पेशेंट है वो ग्लूकोमा जैसे डिसीज से सफर कर रहे हैं, उनको सैंड लाइक सेंसेशन हो रहा है आईलिड्स में है इनर कैंथाई में है, बीपिंग से उनको एग्रेवेशन देखने को मिल रहा है और प्रेशर से एम्बुलेशन देखने को मिल रहा है और साथ में जाके रेस्ट से एम्बुलेशन देखने को मिल रहा है, तो उस लेवल पे हमारे साथ में क्या हो सकता है डेफिनेटली अगर ऐसा हमें कोई पेशेंट के साथ में स्ट्रॉन्ग सिम्टम मिल रहे हैं तो हम बर्बेरस जैसे बल्गेरस जैसे मेडिसिन है उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और शानदार रिजल्ट्स ले सकते हैं। अगर हम क्लिनिकली देखें हम डेफिनेटली इवोल्यूशन भी देखेंगे पहले, लेकिन जो फिजिकल प्लान पे क्या देखने को मिलता है क्योंकि मोस्ट ऑफ जो पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आते हैं वो अपनी फिजिकल कंप्लेन को लेकर आते हैं, और फिजिकल कंप्लेन कैसा होता है जस्ट लाइक द मिरर, मिरर किस चीज को लेके जो मेंटल और इमोशनल लेवल पे जो उसके साथ में इंजरीज हुआ है जो पैथोलॉजी हुआ है उसका एक्सटर्नल जो मैनिफेस्टेशन है वो हमें फिजिकल लेवल पर देखने को मिलता है। तो एक अच्छा फिजिशियन अच्छा स्टूडेंट अच्छा डॉक्टर कौन होता है जो फिजिकल लेवल को देख के उसका जो इनर सोल है उसके कॉज को पहचान सके। जो डॉक्टर कैंट जो लिखते हैं उन्होंने बहुत शानदार लिखा हुआ है कि जो फिजिकल जो अपीयरेंस है फिजिकल लेवल जो डिसीज होती है वो एक केवल मिरर है किस चीज के लिए जो इमोशनल लेवल और जो अपना मेंटल लेवल है या अदर्स जो जो पर्सन है उस लेवल पर सफर कर रहा है उसका केवल एक मैनिफेस्टेशन है। सिकनेस को समझ जाएंगे तो अपन लोग का बर्बेरस तो फिर पूरे नहीं होगा,
पद्मनोबल लेक्चर, तो पिक उन्होंने बोला सिकनेस, तो हम लोग किसको फाइंड आउट करना है, सिकनेस को, किसकी वजह से उसको ग्लूकोमा, जैसे डिसीज जो पेशेंट है वो सफर कर रहा है, लेकिन ग्लूकोमा में हमें सिम्टम्स पता होना चाहिए कि बर्बरस बल्गेरिस जो मेडिसिन है कितना इफेक्टिव हो सकती है ग्लूकोमा जैसे केसेस में, ठीक है। तो हम लोग के माइंड में कई बार होता है कि हम जहाँ पर ड्रग मिस कर जाते हैं, ड्रग के कई पोर होते हैं, कई जगह से हम उसको मेडिसिन को सिलेक्शन में लेके आ सकते हैं। तो केवल मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपको देखना बता रहा हूँ कि हम अगर इधर इस प्लेस से देखें तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिस्क्रिप्शन में लेके आ सकते हैं। सेम कंडीशन है, कई बार होता है जो पेशेंट्स है या अपने क्लिनिक पे आते हैं जो पेशेंट स्कूल में आई ग्लूकोमा के अलावा से, कई बार होता है कि आई के लिए जैसे होता है गाउट ऑफ आई, जो एक तरीके से जो पेशेंट्स हैं जहाँ पर जाके अपन बोलते हैं जनरली गाउट है, वो अपन लोग पढ़ते रहते हैं कि नी का प्रॉब्लम है तो गाउट से सफर कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि जो आई में जो कंक्रीशन है वो जमा होने लगते हैं क्योंकि यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है बॉडी में बहुत ज़्यादा होने लगता है, और वो आँखों में कई बार होता है, वो भी इनर कैंथाई की साइड में देखेंगे तो वहाँ पर जमा होने लगता है, और जब इनर कैंथाई की साइड में जमा होने लगता है तो उस प्लेस पर हम इसको क्या बोलते हैं, गाउट की आई। जब इस तरीके के जो पेशेंट्स आते हैं कि जहाँ पर जाके जो जो गाउट आई से सफर कर रहे हैं उनके साथ में डबल विजन उनको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जाके तुम देखोगे कि उनको बोलोगे आजकल तो दो दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और क्या हो रहा है सर, आँखों में प्रेशर पड़ता है तो मैं दर्द होता है, कहाँ दर्द होता है, आँखों से जो दर्द होता है मैं कहाँ पर जाता है, टेम्पल तक जाता है, यहाँ तक जाता है, यहाँ पेशेंट सीधे बोलता है कि आँखों से सर प्रेशर पड़ता है, प्रेशर से हमें यहाँ पे दर्द दिखाई दे रहा है, और कई बार होता है कि दिन में हमें ना दो दो चीज़ें दिखाई देती हैं, और क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ नहीं, अगर हम आंखें बंद करे रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, हम लेकिन जैसी आंखें खोलते हैं हम लोग जो पेशेंट सफर कर रहा है बोलेगा जैसे मैं आंखें खोलता हूँ ना वैसे मुझे प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा, एकदम से प्रेशर पड़ता है, टेम्पल्स में पेन बढ़ जाएगा, कई बार होता है पेन होता है ऑक्सीपिटल रीजन पर बढ़ जाता है, कई बार होता है कि हमें लेटने से आराम पड़ता है लेकिन जैसे ही अपना हाथ उठाएंगे ना केवल हमने हाथ का मूवमेंट कर दिया आईज में पेन होता है और आंख में हमेशा एक रेडनेस बनी रहती है, और हम सिंपल जब इस तरीके की सिम्टम सुनते हैं किसी भी पेशेंट के साथ में तो जो लोग बर्बरस सोच पा रहे हैं उनको बहुत अच्छी बात है, और डेफिनेटली हम बर्बरस जैसी मेडिसिन की करेक्ट सिम्टम्स हैं कि जहाँ पर जाकर पेशेंट के साथ में जहाँ पर आई जो प्रेशर है उसको टेंपल तक जा रहा है, मोशन ऑफ जो आर्म्स उसको एग्रेशन देखने को मिल रहा है, गाउट आईज हैं जो इनर कैंथाई में अगर कंक्रीशन जमा हो रहा है तो वहाँ पर बर्बरस बल्गेरिस जैसी मेडिसिन से बेस्ट कोई भी मेडिसिन नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि हम लोग अगर बर्बरस बल्गेरिस के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है और हम उसके स्पेयर ऑफ एक्शंस बहुत अच्छे से पता नहीं है तो कई बार हम होता है इसको प्रिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, अगेन हम मिस्टेक कर सकते हैं किस चीज़ को लेके, कहेंगे यार मोशन आई मोशन एग्रावेशन ब्रैनियर, आई मोशन एग्रावेशन कोल्चिकम, आई मोशन एग्रावेशन सेकेंड ड्रग, लेकिन बर्बरस बल्गेरिस अगेन स्लाइड्स मेंटल जो पैथोलॉजी है उसके साथ में अपन लोग पढ़ेंगे जो इवोल्यूशन से जो जनरली मैं इसके पूर ऑब्जेक्ट बता रहा हूं शेयर कर रहा हां इसको नहीं इसको तो केवल अपन लोग जो सुनने के लिए बता रहा हूं इसको आप लोग कैम चालू कर सकते हैं जो करना है ठीक है तो जो कंक्रीशन ऑफ द आई जो जनरल पैथोलॉजी जो कि तो बड़ा स्पेयर होता है इसके कितना स्लाइड बनाएंगे हम लोग राइट ना यहाँ पे जाके जो कुछ पेशेंट्स है जिनके साथ में क्या देखने को मिल रहा है जो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिल रहा है वहां पे बर्बरस बल्गेरिस बहुत शानदार मेडिसिन से जहाँ पे गाउटी आईज है या फिर जहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है ग्लूकोमा और जहाँ पे हम लोग अपनी बर्बरस बल्गेरिस जैसे मेडिसिन को क्या कर जाते हैं हमेशा मिस कर जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन में लेके नहीं आ पाते हैं है ना या फिर जो पर्सन होता है आपको बोलेंगे नहीं गाउट ऑफ आई है प्रेशर से इसको एमोल्यूशन मिल रहा है रेस्ट से एमोल्यूशन मिल रहा है तो हम सोच सकते हैं हम लोग जो डॉक्टर्स हैं जो थोड़े से और अच्छे हैं रिपर्टरी यूज कर रहे होंगे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे तो कहेंगे यहाँ पे ड्रग या रेस्ट और जो प्रेशर दोनों से अगर एमोल्यूशन मिल रहा है यहाँ पर आर्सेनिक एल्बम भी ड्रग हो सकते हैं अब सेटेन जो होंगे तो उनके माइंड में आर्सेनिक एल्बम नहीं आएगा बिकॉज जब आर्सेनिक कई लोगों के माइंड में कैसा सेट है वो तो रेस्टलेसनेस आर्सेनिक का पेशेंट होता है रेस्टलेस होता है एंजाइटी होता है एक जगह से दूसरी जगह भटकते जाता है और स्टूडेंट के माइंड में यही सेट रहता है और वो लोग इस लेवल पे जाके कई बार देख नहीं पाते हैं प्रिस्क्राइबर भी होते हैं कई बार मिस्टेक्स कर जाते हैं बोला मोशन एग्रावेशन आर्सेनिक रेस्टलेसनेस कहानी खत्म है जबकि आर्सेनिक यहाँ पे जाके क्रॉनिकली केस देख रहे हो जिनके साथ में गाउटी आईज है या ग्लूकोमा के केस है तो डेफिनेटली आर्सेनिक जो क्रॉनिकली होता है उसका पिक्चर अलग होता है टोटेलिटी अलग होता है हम उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन लेके आ सकते हैं या फिर एक और मेडिसिन है पिक्रिक एसिड क्योंकि अगर आर्सेनिक को देखोगे तो इसके अंदर सस्पिशियसनेस बहुत ज्यादा देखने को मिला है मिसट्रस्टफुलनेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है डेफिनेटली एंजाइटीज देखने को मिल रही है पेशेंट के साथ में
और आर्सेनिक तो एक बहुत बड़ा पिक्चर है, एक पूरा बुक ही लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो मेरे खुद के द्वारा ही। तो आर्सेनिक इसके अलावा जो पिक्रिक एसिड मेडिसिन है उसको भी हम लोग माइंड में रख सकते हैं, जहाँ पर अगर गाउटी आई जा रहे हैं पेशेंट को, जहाँ पर रेस्ट एंड प्रेशर से एमलोशन देखने को मिल रहा है, और वहाँ पर अगर पेशेंट्स का जहाँ पर ओरिजिन क्या देखने को मिल रहा है, मेंटल एग्जॉशन, ओवर मेंटल एग्जॉशन, टायर्डनेस ऑफ द माइंड, है ना, पिक्रिक एसिड को लेकर, और उसकी वजह से जो मेंटल लेवल का जो ब्रेकडाउन हुआ है और ब्रेकडाउन का जो असर है उसका वो आइज पर पड़ा हुआ है पेशेंट का, और जितने भी होता है जो पर्सन से, अगर अपन लोग देखेंगे कि अगर पिक्रिक एसिड में सर दो सिम्टम्स से थोड़ी हो सकता है, डेफिनेटली नहीं हो सकते हैं, वहाँ पर कोई पेशेंट है उसके साथ में स्ट्रॉन्ग एवर्जन टू मैरिज देखने को मिल रहा है, अब एवर्जन टू मैरिज आता है तब भी हम लोगों का दिमाग घूमता है कहाँ पे, नक्सोन का हो सकता है, सल्फर हो सकता है, सीपिया हो सकता है, अदर मेडिसिन हो सकती है, और हम पिक्रिक एसिड या बर्वेरिस जैसी मेडिसिन पर हम लोग कई बार नहीं जा पाते हैं, और हम लोग अपने केस को खो देते हैं, या फिर हम डिफरेंट टाइप मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में लेके आते रहते हैं, और हम अपने केस को एक क्योर तक और रिकवरी तक हम लेके नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे जाके जो पेशेंट है एवर्जन टू मैरिज जैसा चीज देखने को मिल रहा है, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, और पर्सन जबकि यहाँ पे जाके अगर एवर्जन टू मैरिज भी अगर जो चीज आती है जनरली नक्सलवादियों के साथ में जो देखने को मिलता है, तो बिकॉज ऑफ द एम्बिशंस कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा होता है, वो अपने गोल को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, वो लोग शादी करना नहीं चाहते हैं। लेकिन पिक्रिक एसिड में देखेंगे अगर अपन लोग एवर्जन टू मैरिज, तो उसका रीजन अलग होता है, बिकॉज ऑफ द इम्पोटेंसी सेक्सुअल वीकनेस, इस वजह से वो मैरिज करना नहीं चाहते हैं। तो जहाँ पे अगर पर्सन का इस तरीके की साइकोलॉजी देखने को मिल रहा है, और एक जो कॉमन चीज होती है जो बर्वेरिस वल्गरिस में भी होती है और पिक्रिक एसिड में भी देखने को मिलता है, वो चीज क्या होती है, जो डेल्यूजन होता है बीइंग इनलार्ज, दोनों मेडिसिन के साथ में कॉमन चीज देखने को मिलती है, उनको क्या लगता है हमारा बॉडी वो इनलार्ज हो गया, हाथ बड़े हो गए, ऑर्गन बड़े हो गए, इवन जो एनिमल्स हैं डॉग्स इवन इवन सब क्या दिखाई देते हैं, सबका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब अगर इस तरीके से जाते हैं तब भी हमारा माइंड अगर बर्वेरिस बहुत अच्छे से पड़ा होगा तो बर्वेरिस पे जाएंगे, या फिर अदर्स मेडिसिन पे चले जाते हैं, और वहां पर भी हम पिक्रिक एसिड को क्या कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं। इसलिए मैं उन मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ जनरली, जो एक गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम लोग कई बार होता है इन केसेस में सोचते ही नहीं है इन मेडिसिन, ठीक है। तो अगर इस तरीके के हम लोग में केस आते हैं और हम लोग इस तरीके के सिम्टम किसी पेशेंट के साथ में सोचते हैं देखते हैं, तो डेफिनेटली हम बर्वेरिस वल्गरिस जैसी मेडिसिन, गाउटी आइज के लिए आर्सेनिक एल्बम जैसी मेडिसिन, या फिर पिक्रिक एसिड जैसी मेडिसिन को अपने माइंड में रख सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं। मैंने कह रहा कि हम लोग को अगर सिम्टम्स मिल रहे हैं डेफिनेटली इसी लेवल से जाना है, कोर ऑफ मेडिसिन अलग होता है, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स है, और जो भी हमें चीज मिल रहा है अकॉर्डिंग टू टोटलिटी हम उसको प्रिस्क्रिप्शन में लेके आएंगे, लेकिन ये भी कैसे इसके स्ट्राइकिंग सिम्टम्स है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली हम जा सकते हैं मेडिसिन के ऊपर। सेम इसी तरीके से होता है कई बार को जो अभी चल रहा है प्रॉब्लम, एक तो इस तरीके से मुझे पढ़ाने का हैबिट नहीं है क्योंकि इसमें कोई दिख नहीं रहा है, जब कोई दिखता नहीं है मजा नहीं आता, मैं जितने भी लेक्चर लेता हूँ तो कोई दिखना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि सब सो रहे हैं चाय पी रहे हैं या कोई खाना खा रहा होगा या फिर कोई कैम चालू करके चला होगा, तो कुछ मालूम ही नहीं रहता है, दो चार लोग दिखते रहेंगे तो हाँ लगेगा चलो कॉन्शियस है कोई भी, तो वीडियो ऑन कर लो आप, दो चार लोग यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो। हाँ जिसको क्वेश्चन करना होगा, मैंने पहले पढ़ाने की स्टाइल ले ली है, मैं पूछता हूँ पहले, किसी भी चीज को समझाने के पहले केवल मैं बोलता जाऊं, सामने वाले को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या चल रहा है नहीं मालूम, तो जिसको क्वेश्चन जहां पे लग रहा है डेफिनेटली पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और मैं तो चाहता हूं मैं भी पूछूं केसेस को लेकर, जो भी लोग आराम से बता सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। सपोज डेट कोई पेशेंट हम लोग के पास में आता है जैसे अभी चल रहा है कोविड चल रहा है ना, कोविड के साथ में कई लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, कई लोगों को उन्होंने बोला क्या जिनको कोविड हो चुका है या फिर जिनके साथ में एंजाइटी बहुत ज्यादा चल रही है कि मुझे कोविड ना हो जाए, है ना, उन्होंने बोला बगल में कोविड का पेशेंट निकल आया, उनको लग गया यार सोसाइटी में पेशेंट आ गया, तुम्हारी कॉलोनी में पेशेंट आ गया, मल्टी में पेशेंट आ गया, वैसे तुम्हें क्या फील होना यार डिस्निया लग रहा है मुझे, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, गले में कुछ अटक रहा है, साइकोलॉजिकल सिम्टम, बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, कई पेशेंट के हमारे पास फोन आ रहे हैं जो साइकोलॉजिकल सफर कर रहे हैं। उसी तरीके से क्या होता है कई बार जो पेशेंट्स आते हैं उन लोगों के साथ में देखोगे कि उनके साथ में कैसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सांस लेने में क्या रहा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, किस चीज को लेके तुम देखोगे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा है यार, ऐसा तो नहीं लंग्स का कोई दिक्कत हो, तुमने लंग का इन्वेस्टिगेशन करा लिया, हार्ट का इन्वेस्टिगेशन करा लिया, ईसीजी करा लिया, उसका सीटी स्कैन करा लिया लंग्स का, लंग्स में कोई पैथोलॉजी नहीं है, फिर इसको क्या हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, तुमने कार्डियक को लेकर भी जितने भी टेस्ट होते हैं वो भी करा लिया, लेकिन उसके साथ में कोई भी पैथोलॉजी डायग्नोस नहीं हो रही है, लेकिन पेशेंट है स्टिल सफर कर रहे, डॉक्टर साहब चल नहीं पाते, हम जरा सा चलते हैं तो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं सांस ले नहीं पा रहा हूं,
और हम लोग बोले यार जरा सा चल रहा है, सांस नहीं ले पा रहे यार, इस तो स्टेनोमेट हो सकता है, इस तो यार अदर मेडिसिन हो सकती है, जो रेस्पिरेटरी कंप्लेन पर जो काम कर रहे होंगे मेडिसिन, तो हम सर्टेन मेडिसिन को वापस सोचते रहेंगे, लेकिन हम कभी भी बर्बेरस वल्गरिस को नहीं सोचेंगे, कह रहे हैं तो बर्बेरस वल्गरिस जैसी मेडिसिन आ सकती है, क्यों? डिफिकल्ट रेस्पिरेशन के लिए कहां होती है ये मेडिसिन, तो किस चीज के लिए होती है? उधर रीनल स्टोन, उधर रीनल कैलकुलाई, उधर ज्वाइंट डिसीवन, लेकिन लेकिन तुम ऐसे केसेस जहां पे हम देख रहे हैं कि जिनके साथ में कैसा चल रहा है, अदर लेवल पर पैथोलॉजी चल रहा है, कोई भी दस्त लग रहे हैं अभी चल भी सिम्टम भी रहा है कोविड में, उनको जीआईडी कंप्लेन चलता है और जीआईडी कंप्लेन के साथ में डिफिकल्ट रेस्पिरेशन, इतना प्रॉब्लम हो रहा है सांस लेने में, उनको ऑक्सीजन सर्वर चेंज वो चेक कर रहे हैं जो पेशेंट से, यार ऑक्सीजन लेवल तो हमारा सही चल रहा है, स्पूट हमारा सही आ रहा है, इतना लेकिन सांस लेने में कहां प्रॉब्लम आ रहा है? तो जहां पे तुम ऐसे केसेस देख रहे हो, ऐसे पेशेंट्स हमारे क्लिनिक पे आ रहे हैं जहां पे लंग्स से रिलेटेड पैथोलॉजी नहीं है, कार्डियक कोई पैथोलॉजी नहीं है, लेकिन कोई अदर पैथोलॉजी चल रहा है, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल कोलिक हो सकता है, गैस्ट्रिक कंप्लेन हो सकती है, कोई भी अदर कंप्लेन, इवन द एक्सट्रीमिटीज में पेन हो सकता है, और सर्टेन जो एक्सटेंडेड जो पार्ट ऑफ पैथोलॉजी की वजह से उनको डिस्निया कंडीशन हो रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्निया हो रहा है, वहां पे हमारे माइंड में बर्बेरस वल्गरिस जैसी मेडिसिन आनी ही चाहिए, लेकिन कई बार होता हमारे माइंड में नहीं आता, क्यों? मैंने अभी बोला कि हम लोग का जो नॉलेज होता है कई बार हम कैसे हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, गुड फिक्स, हम बर्बेरस नहीं जाएंगे, हम स्टेनम मेट खिलाएंगे, हम काली कार्ब खिलाएंगे, हम उसको लोरियोसिस जैसी मेडिसिन दे देंगे, सर्टेन मेडिसिन दे देंगे, लेकिन बर्बेरस वल्गरिस नो, बहुत कम बहुत कम, क्या बर्बेरस वल्गरिस भी यहाँ पे जा सकती है, कहाँ पे? जहाँ पे जाके जो पर्सन है वो डिफिकल्ट रेस्पिरेशन से सफर कर रहे हैं, स्पेशली कौन सा? जब डिस्टेंट जो पार्ट में पैथोलॉजी की वजह से, जहाँ पे लंग्स और कार्डियक कोई पैथोलॉजी नहीं है, और उसके बावजूद भी उनको क्या हो रहा है, डिस्निया कंडीशंस देखने को मिल रही है पेशेंट के साथ में, ठीक है ना? तो जो पर्सन है जिनके साथ में देखने को मिल रहा है, जो देखने को अगर इस तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, या फिर ऐसे जो केसेस आते हैं कई हम लोगों के क्लिनिक पे, मैं जनरली वो केसेस बता रहा हूँ जहाँ पर बर्बेरस वल्गरिस प्रिस्क्राइब होती है, ये केवल थ्योरिकल नहीं प्रैक्टिकल जहाँ पर जाती है और हम लोग मिस कर जाते हैं, हम वो केवल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि आप लोग वो यहाँ पर डेफिनेटली क्या करना चाहिए, देखना चाहिए उस लेवल पर जाके। तो ऐसे अगर कोई पेशेंट आता है, सपोज कई पेशेंट्स आते हैं, अरे डॉक्टर साहब मैं तो गिर गया था। अच्छा कहाँ से गिरे थे? सीढ़ियों से चल रहा था, गिर गया था, बाथरूम में फिसल गया था, गिर गया था, एक्सीडेंट हो गया था, गिर गए, अच्छी बात है गिर गए, गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, बुरी चीज़ नहीं है, गिरते रहते हैं लोग, गिरने के बाद लेकिन क्या हुआ, चोट लग गई स्पाइनल रीजन पे, स्लिप डिस्क हो गया पेशेंट को, तो जहाँ पे जाके जब से हम गिरे थे 10 साल पहले 5 साल पहले हम गिरे थे, और गिरने के बाद में क्या हुआ, डॉक्टर ने स्लिप डिस्क बताया था और हमारा प्रॉब्लम से चल रहा है स्लिप डिस्क के साथ में, हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, जब होता रहता है, काफ़ी प्रॉब्लम होता रहता है, जो हमें यहाँ पे बैक से पेन बना रहता है, कई जगह हमने इलाज भी कराया, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, लेकिन वो लंबे समय तक चलना था, कभी दर्द रुक जाता है, पेन किलर छोड़ देते हैं, दर्द होता रहता है, पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट मिला नहीं मुझे, है ना? तो उस इस प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, अरे यार ये तो इंजुरी उसको हो रखा है, इंजुरी जो हो रखी है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, नेटकंसल जैसी मेडिसिन क्रोनिक चल रही है, बेलिस्पर जैसी मेडिसिन आ सकती है, रूटा जैसी मेडिसिन आ सकती है, हार्मिका जैसी मेडिसिन आ सकती है, क्योंकि इंजुरी जुड़ा हुआ है, और स्लिप डिस्क जुड़ा हुआ है, बैक पेन जुड़ा हुआ है, काली कार्ब जैसी मेडिसिन हम लोग सोचेंगे, लेकिन बर्बेरस वल्गरिस कितने लोग सोचेंगे, नरोगों पे, वो दो या चार लोगों पे, इन्हीं करें नरोगों पे, डेफिनेटली जो बर्बेरस वल्गरिस को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उनके माइंड में आएगा, कहाँ पे आएगा, उन्हें बोला कि जो पेशेंट है वो लंबेगो से सफर कर रहे हैं, बैकैक से सफर कर रहे हैं, और उनके साथ में स्लिप डिस्क की पोजीशन चल रही है, तो सर्टेन प्रॉब्लम चल रही है, और उसे पूछा अच्छा स्लिप डिस्क, क्योंकि हम लोगों के साथ में जनरली होम्योपैथी में देखते हैं पैथोलॉजी का यूज है, डेफिनेटली है, लेकिन कई बार कैसा है पेशेंट के साथ में प्रॉब्लम क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है प्रॉब्लम के साथ में, पेशेंट के साथ में अदर सिम्टम्स क्या है, उसके साथ में जनरल टीज क्या जुड़ी हुई है ना, चाहे मेंटल जनरल हो, फिजिकल जनरल हो, जो भी चल रहा है। पेशेंट से पूछा अच्छा आपको दर्द क्या हो रहा है, सर दर्द यहाँ पर हो रहा है बैक में, और बैक में ऐसे दर्द हमारा थाई तक जा रहा है, पैर तक जा रहा है, हमारा दर्द जा रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, और हमें क्या होता है चलते फिरते रहते ना तो हमें दर्द में आराम रहता है, जैसे पेशेंट बोलता है बैक एक हो रहा है, चलते फिरते रहते हैं हमें आराम हो रहा है, हमारा माइंड क्या चल जाता है रस्टॉक्स जैसी मेडिसिन पे, और फिर हल्के हम पूछ लेंगे अच्छा जैसे चलते हो उठते हो तो दर्द होता है क्या, बोले हाँ सर जब उठते तो बहुत दर्द होता है, लगातार चलते रहते तो आराम हो जाता है, हम फिर रस्टॉक्स दे देते हैं, अरे तो रस्टॉक्स मेडिसिन है, और थोड़ा सा जो पड़े होंगे सल्फर जैसे मेडिसिन और पड़े होंगे थोड़ा सा, उन्होंने बोला काले हाइड्रेट जैसे मेडिसिन, यहाँ पर जाके मोशन जैसा है इसको एम्बुलेशन देखने को मिल रहा है, और इसको जो यहाँ पर जाके बैकएक देखने को मिला है, क्योंकि काली ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बैकएक होता है काली ग्रुप में बहुत ज्यादा, और मोशन उसको एम्बुलेशन देखने को मिला है, यहाँ पर रस्टॉक्स काली हाइड्रेट मेडिसिन से अदर्स जिनमें मोशन एम्बुलेशन होगा उस प्लेस पर हम लोग जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बर्बेरस वल्गरिस जैसी मेडिसिन
लेकिन ऐसे केसेस जहां पे जाके जो पर्सन स्लिप डिस्क से सफर कर रहा है, लंबो को जैसे जो जो केसेस है उनके साथ में पेशेंट सफर कर रहा है और उनका जो पेन है वो कहां थाइस तक जा रहा है, थाइस तक है ना, थाइस तक पेन जा रहा है और उसमें उनको क्या हो रहा है तुम्हारा, कई बार होता है जो पेशेंट से इनके साथ में मोशन उनको क्या देखने को मिल रहा है, आराम देखने को मिल रहा है। और पेशेंट से तुमने बोला कि अगर यहाँ पे माइंड में आएगा डेफिनेटली जो भी तुम्हें लगेगा तुम लोग रश टॉक्स हो सकता है, तो हालकर उसको क्लियर करने की जरूरत है। अच्छा और किस चीज से आराम होता है, गर्म से कोई आराम लगता है क्या? हाँ सर, गर्म से पता नहीं चलता, रश टॉक्स में कई बार होता तुम्हारा बॉम्ब से एप्लीकेशन से उसको एम्बुलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि पेशेंट यहाँ पे क्या बोलते हैं, नहीं डॉक्टर साहब बॉम्ब से हमें आराम नहीं मिलता, अच्छा लगता है लेकिन, हाँ कोई गर्म गर्म सिकाई कर ले थोड़ा सा अच्छा लगेगा लेकिन आराम कुछ नहीं, तो दर्द तो वैसे ही रहता है। तो जहां पे इस तरीके के पेशेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जहां पे बॉर्न से उसको आराम है, एम्बुलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा लग रहा है हमें, अच्छा फील होता है, लेकिन एम्बुलेशन नहीं, दर्द वही रहता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए हम थोड़ा सा वहां पे कुछ गर्म रख ले पाए थोड़ा सा लगता है यहाँ ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। जबकि रेस्टॉक्स से अगर कंपेरिजन में जाओगे तो वहां पर जाके मोशन से एम्बुलेशन भी है और वहां पर जाकर उसको क्या होता है तुम्हारा बॉम्ब से एम्बुलेशन भी देखने को मिलता है पेशेंट के साथ में, है ना। और साथ में जाके तुम देखोगे इनके साथ में कि जो कई बार होता है कि जो बैक कैक जो इन लोगों को होता है उसमें कैसा होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं अगर वो ऑब्जर्व करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, और हम लोगों को अगर बर्वर से बर्वर से जैसा मेडिसिन लग रहा है तो हम लोग को वहाँ पे क्लियर करना चाहिए। क्या क्लियर करना चाहिए, और कोई चीज़ देखा क्या, अलग सा देखा, यूनिक सा देखा जो आपके साथ हो रहा हो। अगर पेशेंट बताता है हाँ कमर दर्द होता है लेकिन गैस पास हो जाती है ना, हमारा कमर दर्द हमें कुछ देर के लिए अच्छा हो जाता है, जितनी बार गैस पास होती है कमर दर्द ठीक हो जाता है, मतलब फ्लैचुलेंस से एम्बुलेशन पेशेंट को। तो जहां पे फ्लैचुलेंस से एम्बुलेशन है, बॉम्ब से उसको क्या हो रहा तुम्हारा एक एग्रावेशन भी नहीं है, एम्बुलेशन भी नहीं है, जस्ट उसको लिटिल बिट बेटर फील हो रहा है पेशेंट के साथ में। और जहां पे तुम देख रहे हो पेशेंट के साथ में मोशन से एग्रावेशन देखने को मिल रहा है और पेन है वो बैक से एक्सटेंड हो रहा है तुम्हारा थाइस तक, और यहाँ पे सेम जो कंडीशन होती है वो रीनल स्टोन में होती है। जब रीनल स्टोन से कोई एक्यूटली सफर कर रहा होता है पेशेंट, वो बोलता है कि हमें किडनी से सर बहुत दर्द हो रहा है और किडनी का पेन कहाँ जा रहा है, थाइज पे एक्सटेंड हो रहा है। वो हम लोग देखेंगे कल, उसका सारा स्लाइड प्रेजेंटेशन ही है, लेकिन इसको जस्ट समझाने के लिए था तो इतना नहीं रखा मैंने, तो बैक में जा रहा है लेकिन यहाँ पे जाके वो थाइज में, केवल हमेशा एक चीज याद रखना थाइज केवल बर्वेरस नहीं है, थाइज में जा रहा है तो नक्सबॉम का भी मेडिसिन है। लेकिन यहाँ जब पर्टिकुलर रीनल स्टोन की बात आती है तो बर्वेरस बल्गेरस फॉर द लेफ्ट थाइज और नक्सबॉम का फॉर द राइट एक्सटेंड हो रहा है। किडनी से अगर लेफ्ट थाई पे एक्सटेंड हो रहा है बर्वेरस बल्गेरस, और किडनी से राइट थाई पे एक्सटेंड हो रहा है नक्सबॉम का, और किडनी से दोनों थाई पे जा रहा है पेन बैकेज जा रहा है बर्वेरस बल्गेरस विद द मोडालिटीज एंड जनरलिटीज जो हम लोगों ने बात कर ली है कि जहां पर फ्लैचुलेंस से एम्बुलेशन हो रहा है उसको बॉम्ब मोशन से एग्रावेशन देखने को मिल रहा है, बॉम्ब से अच्छा लग रहा है पेशेंट को, और जो कैसा जा रहा है तुम्हारा डाउन टू थाई जा रहा है पेशेंट का जो बैकेज है। अगर हमें इस लेवल में पेशेंट हम लोग को बता रहा है, और चाहे पेशेंट जितना भी सर्टेन नेम ऑफ डिसीज से सफर कर रहा हो, चाहे तुम उसको स्लिप डिस्क बोलो, चाहे पेशेंट को मालूम हो चाहे नहीं हो, चाहे उसको बैकएक बोलो चाहे उसको लंबे को बोलो, लेकिन अगर इस तरीके का मोरेलिटीज देखने को मिल रहा है डेफिनेटली हमारे माइंड में बर्बेरिस बल्गेरिस एक बार आनी चाहिए मेडिसिन, एक बार प्रिस्क्रिप्शन में आना चाहिए और बर्बेरिस माइंड में आना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन के पहले। और ये अलग कंडीशन है, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन उठना चाहिए इसके साथ में इतना ग्लूकोमा क्यों हो रहा है, इसका आंसर हम लोग रखेंगे जो पढ़ेंगे अपन जो साइकोलॉजिकल लेवल पे इसको, इसके साथ में इतना बैकएक क्यों हो रहा है पेशेंट के साथ में, क्योंकि फिजिकल जो प्लान हमने बोला है ये जस्ट कैसा है, जस्ट लाइक अ मिरर फॉर द मेंटल इमोशनल लेवल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पेशेंट देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं इस लेवल पे पेशेंट को, यहाँ पर जो पेशेंट है जिनके साथ में क्या देखने को मिल रहा है, कई बार होता है जो पेशेंट्स हैं चल रहे हैं जिनको लाइफ होता है बहुत टायर्ड हो जाते हैं लाइफ से, होता ना कई बार होता है हमारे लाइफ में टेंशन चलता रहता है, स्ट्रेस चलता रहता है, डिसीज चल रही है, और पेशेंट लड़ रहा है लड़ रहा है लड़ रहा है लड़ रहा है लड़ता है, लड़ते लड़ते एक टाइम बाद क्या होता है पेशेंट हार जाता है, उसे मजा नहीं आता, वो कहते हैं कितना लड़ेंगे लाइफ से, उन्हें बोला कि पता चला स्टार्टिंग का लाइफ हुआ जैसे वो बच्चे बड़े हुए फादर की डेथ हो गई, जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके गए फिर उसने किसी लव वंस को खो दिया, जैसे तैसे नौकरी लगी, नौकरी लगने के बाद वो लगातार चल रहा है चल रहा है चल रहा है सोचता चल रहा है स्ट्रगल करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है, फिर बदला रिलेटिव ने धोखा दे दिया कोई डिसीज में हो गया, जैसे चल रहा है ना अभी कोविड ही हो गया तो कोई उठाने नहीं जा रहा है लेने नहीं जा रहा है, अब सामने वाला पर्सन देखोगे जहाँ पे जाके कैसा है, अगर ऐसे पर्सन में बहुत बार होगा लाइफ में कहीं पे उनको हेल्प ही नहीं मिला किसी भी लेवल पे, वो लोग को क्या लगता है सोसाइटी से टायर्ड हो जाते हैं लाइफ से टायर्ड हो जाते हैं मेंटली फिजिकली इमोशनली टायर्डनेस देखने को मिलता है, पेशेंट कहते हैं इमोशनली कुछ है ही नहीं, काय का यार इमोशंस कोई वैल्यू नहीं इमोशंस का, तो मेंटल इमोशनल लेवल पे आता है पेशेंट। अब उनके साथ में कैसा होता है पेशेंट थके हुए हैं लेटे हैं उनको पेशेंट,
बहुत कमजोरी लग रही है जो अभी भी सिम्टम्स चल रहे हैं, इतना कमजोरी लग रहा है हम उठ ही नहीं पाते हैं सर, बाथरूम तक नहीं जा पा रहे हैं। जैसे आजकल जो कोविड हो रहा है पेशेंट, बहुत लोग बताते हैं मुझे, कई लोगों के फोन आते हैं कि जिनके साथ में कैसे है कि जो बाथरूम उनके साथ में जा रहे हैं और बाथरूम के साथ में बोले कि बाथरूम तक जाते सांस फूलने लगती है, प्रॉब्लम होता है मुझे बहुत ज्यादा सर, इतनी कमजोरी आती है कई बार तो बाथरूम तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, इतनी थकान हो रही है मुझे। और थकान कब से बोले कब से हो रही है आपको सर, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बहुत लाइफ चल रही है, बस चल ही रही है, दौड़ तो रही नहीं है, थकावट रहता है, बहुत ज्यादा थकावट रहती है जहाँ पे जाके जो पेशेंट से, जिनके साथ में कैसा देखने को मिल रहा है कि जरा सा वीकनेस बहुत ज्यादा है, फैंटिंग जैसी कंडीशन देखने को मिल रहा है, और साथ में जो अपन बोले थे कि रेस्पिरेटरी कंप्लेन होता है, डिफिकल्ट ब्रीथिंग देखने को मिल रहा है, सांस लेने में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है पेशेंट्स को, और तुम उनको देखोगे कि क्या करने का मन करता है, कुछ नहीं, लेटे रहो, बैठे रहो, पढ़े रहो, इसके अलावा कोई काम नहीं करो, हम दुकान पे भी नहीं जाते सर, बिजनेस भी फेल होता जा रहा है, कैसे फैमिली चलेगी, कुछ हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। और जब पेशेंट इस तरीके का जो हम लोग को बताता है सिम्टम्स बताता है, तो मुझे इतना थकान हो रहा है, काम पे नहीं जा रहा है, फैमिली को छोड़ दिया, क्या मेडिसिन माइंड में आएगा, क्या मेडिसिन माइंड में आएगा, बोलो क्या मेडिसिन आएगा माइंड में, बोलो बोलो भाई कोई, क्या मेडिसिन आएगा माइंड में, उसको एक दिन फीवर आया, 2 दिन फीवर आया और इतना वीकनेस, उठ ही नहीं पाया, ठीक है, तो ऐसा हम लोग जहाँ पे कोनियम कोनियम एक लेवल तक तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर माइंड में है तो रख सकते हो, लेकिन जनरली एसिडिक ग्रुप ज्यादा सोचते हैं लोग, एसिडिक ग्रुप को, म्यूरिटिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, मेडिसिन है या अदर्स जो एसिडिक ग्रुप, इतना वीकनेस है ना, लेकिन भाई भी हम लोग देखेंगे कि नहीं यार यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो पेशेंट जरा सा भी नहीं चल पा रहा, इतना वीकनेस हो गया, इतना मेंटल टायर्ड हो गया, इतना इमोशनल टायर्ड हो गया, बर्बरस वल्गरिस जैसी मेडिसिन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो हमारे माइंड में कभी नहीं आएगा कि यार बर्बरस वल्गरिस जो मेडिसिन है, इन लोगों के साथ में जो क्रॉनिक जो फटीक सिंड्रोम होता है उनसे जो पेशेंट सफर कर रहे होते हैं उनके लिए बेस्ट वैल्यूबल रेमेडी में से एक है, लेकिन हम लोग के माइंड में नहीं आता क्योंकि हमारा माइंड कई बार कैसा हो जाता है, लिमिटेड है, तो बर्बरस जो मेडिसिन है उसको लेके एक हम लोगों ने सॉर्ट ऑफ आइडिया माइंड में बना रखा है, नहीं यार क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम है तो ये आएगा, यहाँ पे ग्लूकोमा है तो ये डिसीज चली होंगी, और इनको लिवर का प्रॉब्लम चल रहा है तो ये प्रॉब्लम, ये मेडिसिन चल रहा होगा, सर्टेन रेमेडीज माइंड में आएंगे, लेकिन बर्बरस वल्गरिस जैसी मेडिसिन मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं, है ना, तो यहाँ पे जहाँ पे जाके तुम देख सकते हो कि क्रॉनिक फटीग का किसी पेशेंट को सिम्टम चल रहा है, अब ये अलग रीजन है कि इतना क्रॉनिक फटीग में पेशेंट चल रहा क्यों गया, इतना उसको मेंटल टायर्डनेस क्यों हो रहा है, इतना फिजिकल टायर्डनेस क्यों हो रहा है उसको, इसके रीजन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, जो बैक में इसके क्या चल रहा था कि इतना इसको टायर्डनेस हो गया है, और ये दोनों को मिला के हम लोग क्या करेंगे इसको प्रिस्क्रिप्शन में लेके आ सकते हैं, लेकिन जब जो पेशेंट है हमारा अगर क्रोनिक फटीग सिंड्रोम से सफर कर रहा है तो डेफिनेटली हमारे माइंड में एक बार बर्बरस वल्गरिस जैसे मेडिसिन का आइडिया जरूर आना चाहिए, ठीक है ना। सिमिलर केस होता है कि कई बार होता है जो पेशेंट हम लोग के पास में आते हैं, जैसे कई बार होता है जब मैं जब भी इन लोगों को पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, तो कई जो चीज़ें होती बहुत रियर होती हैं, और कई बार जो पेशेंट्स होते हैं उन चीज़ों को लेकर काफ़ी लंबे समय से सफर कर रहे होते हैं, जैसे जब डॉक्टर सोर का मैं केस पढ़ रहा था उनके पास एक पेशेंट आया था जो बोलते थे कि नहीं यार डॉक्टर साहब, उन्होंने अपने केस में लिखा हुआ है कि जो पेशेंट आता था उनके पास में, जैसे वो लैट्रिन में बैठते थे टॉयलेट की सीट पे, रनिंग नोज शुरू हो गया उनकी नाक बहने लगती, बोले मैंने कई सालों से इलाज करा लिया, कई डॉक्टरों को दिखा लिया, ENT को दिखा लिया, अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखा लिया, होम्योपैथ को दिखा लिया, आयुर्वेद को दिखा लिया, सबको दिखा लिया, कोई ट्रीटमेंट नहीं, नेचुरोपैथिक जो ट्रीटमेंट चलता है उसको लेके मैंने कई जगह पे दिखाया, लेकिन ऐसे कुछ ही नहीं होता, दिन भर मैं फ्री रहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कम मोड पे बैठता हूँ, जैसे मैं टॉयलेट पे बैठूंगा, नाक बहना शुरू हो जाती है,
जब उन्होंने ये सिम्टम सुना, वो कह रहे मतलब जो पेशेंट था खुद ही बहुत ज्यादा कॉन्शियस था, बोलते जब पेशेंट बोला था डॉक्टर साहब ये एक सिम्टम बताओ, वो हंसना नहीं, मतलब वो तो इंग्लिश में पूरा था अपना जो लिखा हुआ था, बोला आप हंसना नहीं, आप हंसोगे इस सिम्टम के ऊपर, बोले जबकि कह रहा है जब उसने सिम्टम बताया तो बाकी में हंसा, लेकिन इस चीज के लिए कि वो इस चीज से सफर कर रहा है, इस चीज के लिए कोई मेडिसिन क्या थी, थूजा, ये थूजा का यूनिक सिम्टम था। सिमिलर कोई पेशेंट आ रहा है हमारे क्लिनिक पे, वो किससे सफर कर रहा है, क्रोनिक नीजल डिस्चार्ज, क्रोनिक नीजल डिस्चार्ज, क्रोनिक नीजल डिस्चार्ज कैसे, डॉक्टर साहब लेफ्ट साइड से बस नोज से डिस्चार्ज हो रहा है हमारा, राइट से होता ही नहीं है, कई बार होता है जब जैसे एकदम से दम सुबह सो के उठेंगे नोज से डिस्चार्ज होने लगेगा, केवल लेफ्ट से चल रहा है ना, और क्या हो रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुकाम जुकाम से बना रहेगा, कोई ऐसी बहुत ज्यादा छींके नहीं आएंगी, कुछ ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन जरा सा एग्जर्शन करेंगे चेहरे पर पसीना आ जाएगा और नोज से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो बोले नोज से लेफ्ट साइड नोज से डिस्चार्ज हो रहा है, पसीना आ रहा है, जिसका जितना माइंड जा पाए, कई लोग बोलेंगे लेफ्ट साइड नोज से डिस्चार्ज है एलियमसी पर, क्योंकि हम लोग के माइंड में कई बार इस तरीके से सेट रहता है, लेफ्ट नोस्टल से डिस्चार्ज हो रहा है एलियमसी पर, राइट से हो रहा है आर्सेनिक एल्बम, और छीके आ रही है तो बिल्कुल आर्सेनिक एल्बम, तो खुली हवा में अच्छा लग रहा है तो दूसरी मेडिसिन, और बंद हवा में अच्छा लग रहा है, बंद कमरे में अच्छा लग रहा है तो अदर मेडिसिन, और लेकिन क्रॉनिकली पेशेंट की मतलब वो दो साल से सफर कर रहा है, चार साल से सफर कर रहा है, किस चीज को लेके, लेफ्ट नोस्टल, कई उसने एंटीबायोटिक खा ली, सब कुछ खा लिया, लेकिन कोई उसको आराम नहीं मिल रहा, और तुम देखो कि अच्छा मॉर्निंग में कैसा होता है, ग्रीन डिस्चार्ज, लेफ्ट नोस होता है, ग्रीनेस होता है, एलोज डिस्चार्ज होता है, जैसे बोलेगा ग्रीनेस एलोज डिस्चार्ज होता है, वैसे हम लोग के माइंड में क्या आ जाएगा, पल्सेटर, काली वाइक्रोम, काली सेल, फिर अपन लोग बोलेंगे पल्सेटला की जस्ट अपोजिट मेडिसिन कौन सी होती है, काली सेल, पल्सेटला लोगे राइट नोस से डिस्चार्ज होता है तो काली सेल में अपोजिट जाएंगे तो लेफ्ट नोस से डिस्चार्ज होगा, तुम उसे पल्सेटला खिलाते रहोगे काली सेल खिलाते रहोगे, या तो पेशेंट भाग जाएगा वो दूसरे क्लिनिक पर जाएगा, सिमिलर ट्रीटमेंट चलता रहेगा, लेकिन हम लोग क्या नहीं सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे हम लोग, बर्बेरिस बल्गेरिस, क्यों, ये तो मेडिसिन किस चीज के लिए, किडनी के लिए, लिवर के लिए, ज्वाइंटिस के लिए, लेकिन ग्लूकोमा के लिए हम लोग सोच सकते, क्रोनिक नेजल डिस्चार्ज के लिए हम लोग सोचेंगे कभी नहीं, क्रोनिक फटिक सिंड्रोम के लिए हम सोचेंगे कभी नहीं, लेकिन जहां पे पेशेंट जहां पे तुम्हें देखने को मिल रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम है, बेचारा परेशान रहता है बहुत ज्यादा, किससे, पसीने से, जरा सा एग्जर्शन कर लिया चेहरा भीग जाता है, जैसे सीपिया होती ना जरा सा खा लिया पसीना, नेक्टमी होती ना एक और मुंह में दिया नाक बहने लगती है, कई पेशेंट होते सफर कर रहे होते हम खा ही नहीं पाते, जरा सा स्पाइस लिया नाक बहने लगती है, जरा सा खाया पसीना लगता, जरा सा एग्जर्शन किया चेहरे पे परस्पिरेशन होता है, लेफ्ट नोस्टल से डिस्चार्ज बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि मॉर्निंग में एलोज से, इसलिए पल्सेटला में आते हैं हम लोग, क्योंकि पल्सेटला कई बार हम लोग कैसे पढ़ते हैं, चेंजेबिलिटी, मॉर्निंग में एलोज से शाम को ड्राई होता है, जुकाम सा लगता रहता है, हम लोग बोलते कि नहीं जैसे कप होता है ना इसका पल्सेटला का, ये मॉर्निंग और इवनिंग में कैसा होता है, अलग अलग कप देखने को मिलता है इसका, मॉर्निंग में लूज कप होता है और इवनिंग में कैसा होता है, ड्राई कप होता है पल्सेटला का, है ना, इसका जस्ट अपोजिट कौन सा होता है मेडिसिन, अपोजिट मेडिसिन कौन सा होता है इसका, जस्ट अपोजिट, मॉर्निंग में ड्राई और इवनिंग में लूज कप, किस मेडिसिन का स्ट्रॉन्ग सिम्टम है, please raise your hands, I'll unmute. कोई नहीं, कोई सुनिए, ठीक है, कोई सुनिए, हम लोग सीखने के लिए बैठे हैं और हम लोग आपस में सीख ही रहे हैं, विथिया, विथिया, विथिया का सिंड्रोम, और विथिया हम लोग, विथिया भी कैसा है, निग्लेक्टेड रैमेटिस, कई लोगों ने कोविड में विथिया दिया है, बहुत शानदार रिजल्ट्स लिया, बहुत शानदार रिजल्ट्स लिया है, जब रेस्पिरेटरी कंप्लेन आया उनको एकदम से फेरिंजाइटिस हुआ है, सोर थ्रॉट हुआ है, और इस तरीके के विथिया के सिम्टम्स थे, उन्होंने दिया कोविड रिपोर्ट, दो दिन में नेगेटिव, दो दिन के अंदर नेगेटिव आ गया, तीन दिनों का नेगेटिव आ गया, बहुत शानदार रिजल्ट लिया कोविड केसेस में विथिया से, लेकिन कई लोगों को विथिया में फेरिंजाइटिस पे चले जाएंगे, विथिया के सिम्टम्स याद होंगे या फिर याद ही नहीं होंगे, और कई बार हम उसको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते, और हम लोग प्रिस्क्रिप्शन समय लेके नहीं आ पाते, राइट ना, ये हम लोग केवल देखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं केवल जस्ट दिखा रहा हूं कोर ऑफ मेडिसिन, अब देखो केवल इसके प्रिस्क्रिप्शन लाना आप लोगों को है, इंटेलिजेंट हो आप लोग सब जितने भी बैठे होंगे, कोई शक नहीं इसमें जाके,
सबकी मटेरियल मेडिकल अच्छी होगी, सबकी ऑर्गन अच्छी होगी, सबका रिपर्टरी बहुत अच्छा होगा, केवल यहाँ पे देखने की जरूरत है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन में लेके आ सकते हैं। और ये कहाँ पे हम लोग क्या कर जाते हैं, इस मेडिसिन को मिस कर जाते हैं, तो हम लोग नहीं जाते अपने केस को खराब कर लेते हैं और केस में पेशेंट भटकता रहता है सेकेंड होम्योपैथ के पास में। कई बार मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, सब लोग देखोगे ना सोशल मीडिया पे सबके पास रिजल्ट है, सोशल मीडिया में सारी होम्योपैथ टॉप पे चल रही है, पेशेंट डिसटिस्फाई चल रहा है, वाई कंडीशन अलग होगी ना फिर, तो अगर सब सारे लोग ठीक कर रहे हैं तो सारे पेशेंट को ठीक होना चाहिए था, होम्योपैथी को बहुत ऊपर चला जाना चाहिए था, लेकिन जस्ट अपोजिट कंडीशन, अपोजिट कंडीशन, ठीक है कि जितना दिखाया जा रहा है उतना नहीं है। तो जहाँ पे जाके कुरेजा है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से देखने को मिल रहा है, ऑफेंसिव बर्न लाइक डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, जैसे उसको जो कई बार ऐसा लगता है नाक में उसको जैसे ना जल गई हो, इस तरीके से डिस्चार्ज होता है, जलने के बाद होता है, एलोइस ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है मॉर्निंग में जाके, और जो नोज पेन है नाक से जो दर्द है यहाँ पे जाकर उसको दर्द हो रहा है, वो कान तक जा रहा है, एक्सटेंड हो रही है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, हमेशा गलतियां करते हैं, जैसे देखते हैं नोज से पेन हो रहा है ईयर तक, है ना, तो हम लोग बोलेंगे ईयर तक जा रहा है, मतलब जो यूस्टिशियन जो ट्यूब है वो क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई, जब यूस्टिशियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है तो फर्स्ट मेडिसिन कौन सी है, वो अलग बात है कि तुम लोग को फर्स्ट ही नहीं पता होगा, सेकंड सबको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड ही बता दो, कोई सुन नहीं, कौन सी मेडिसिन सेकंड है, कौन सी फर्स्ट है, काली मियो, मोस्ट ऑफ होम्योपैथ सोचते हैं काली मियो, पल्सेटला, काली सेल, पल्सेटला तो बहुत कॉमन ड्रग है जिस तरीके के लिए जाता है तुम्हारा, और काली मियो लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं काली मियो, बोलते जहाँ पे जाके जो इंस्टीट्यूशन ट्यूब है वो कैसा हो गया, ब्लॉक हो गया, सिमिलर एक जो चीज है जो इसमें देखने को मिलता है, जो कई बार हम बर्बेरिस को यहाँ पे मिस कर जाते हैं इस ड्रग को, किस लेवल पे जाके, जहाँ पे जाके जो क्या देखने को मिलता हेड पेन, किसी को हेडेक से सफर कर रहा है कोई पेशेंट्स, है ना, जहाँ पर जाके बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं वो हेडेक से जो सफर कर रहे होते हैं उनके साथ में कैसा होता है, चार एक माइग्रेन से सफर कर रहे होते हैं, कई जगह पे दिखा आते हैं, कई जगह पे उनको रिलीफ मिल जाता है, मोस्ट ऑफ टाइम वो क्या करते रहते हैं, भटकते रहते हैं डॉक्टर से डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, और कोई अच्छा सा डॉक्टर मिल जाए तो डेफिनेटली उनको आराम हो जाता है। और यहाँ पर जाके अगर हम लोग देखेंगे तो माइग्रेन के लिए कई लोग होते हैं, उन्होंने बोला सेंगुनारिया है, उन्होंने बोला राइट साइड है, राइट तुम्हारा लेफ्ट साइड है स्पाइजिलिया है, और उन्होंने बोला कि ईपीजीएस मेडिसिन होता है, और उधर जाएंगे तो सर्टेन पैथोलॉजी वॉमिटिंग हो रहा है तो उधर मेडिसिन है, आंखों में ब्लाइंडनेस आ रहा है तो अलग अलग मेडिसिन से, इस तरीके से हम लोग माइंड में क्या रहता है, सेट रहता है। लेकिन जहाँ पे कोई पेशेंट इस तरीके से आ रहे हैं, जहाँ पे जाके उसको क्या हो रहा है पेशेंट्स को, ये जो सिरदर्द हो रहा है और साथ में हेड पेन के साथ में कैसा हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा सिरदर्द होता है, कई बार बैटेक से शुरू होता है, कई बार टेम्पल से शुरू होता है, लेकिन हमेशा कैसा होता है ऑक्सीपिटल रीजन पे कैसा होता है, कोल्डनेस देखने को मिलता है, सिरदर्द हमें जब भी होता है लेकिन पीछे की तरफ कैसा हो जाता है, एकदम से पार ठंडा हो जाता है, एक कोल्डनेस फीलिंग रहता है उनको, है ना। और तुम देखो कि यहाँ पे जाके कई बार होता है कि कई जो पेशेंट्स आते हैं बोलते कि डॉक्टर साहब पूछो कि सिर मतलब महीने में कब दर्द होता है आपको, कितनी बार दर्द होता है, सप्ताह में कितनी बार दर्द होता है, तो उनका क्या कहना होता है, जब जब पीरियड आता है, पीरियड आने के बाद उसे सिर दर्द चलता रहता है और काफी लंबे समय तक चलेगा, फिर कुछ दिनों के लिए आराम होगा, जैसे फिर पीरियड आएगा फिर हेडेक होने लगेगा मुझे। तो जहां पर जाके तुम ऐसे केसेस को हम लोग देख रहे हैं कि जहां पर जाके हेडेक देखने को मिल रहा है, जहां पर टेम्पल से शुरू हो रहा है, ऑक्सीपिटल कोल्डनेस देखने को मिल रहा है, मेंसेस के पास में हेडेक देखने को मिल रहा है, कई बार उनको हेडेक के साथ में क्या फील होता है, जैसे एकदम से हीट सेंसेशन बाय टच पर, ऑक्सीपिटल रीजन पे नहीं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने क्या कर रखा हो, कोई टोपी पहन ली हो, उनको लगता है कि उन्होंने क्या कर लिया, कोई टोपी पहन लिया हो, है ना। और साथ में जाके कैसा होता है, कई बार बोलते हैं कई बार यहाँ पे इतना सीवियर पोट पेन होता है टेम्पल्स में, यहाँ मुझे लगेगा तपरा है, वर्टेक्स तपरा है, और गाल ठंडे हैं, चीक्स एकदम से कूलनेस देखने को मिल रहा है, कूलनेस ऑफ द चीक, और बट टेम्पल्स पे एकदम से हीट एंड पेन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और साथ में देखोगे कि जो पेशेंट उनके साथ में कैसा होता है, कई बार जो होते हैं कि यहाँ पे हमें ऐसा कई बार कई पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि एक सारे सिम्टम्स किसी भी मेडिसिन में हर एक पेशेंट के साथ में सारे सिम्टम्स तो मिलेंगे नहीं, तो कई बार उसका पेशेंट में ऑक्सीपिटल कोल्डनेस को बताता है, कई बार वो टेम्पल्स में हीट बताता है और चीक्स पे कोल्डनेस बताता है, और कई बार वो कैसा होता है, हमें ऐसा लग रहा है कि सर लेफ्ट साइड दर्द होता है सीवियर तो यहाँ पर तो हीट रहती है, और राइट साइड जो होता है बाबा में चिलनेस फील होता है,
चिलनेस फील होता है। तो जब हम इस तरीके से किसी पेशेंट के साथ में देख रहे हैं कि जहां पर जाकर जो हेड पेन है जिसके साथ में ऑक्सीपिटल कूलनेस देखने को मिल रहा हैड पेन है जिसके साथ में जो कि कई बार होता है पेशेंट के साथ में मेंसेस की बात में उनके साथ में देखने को मिल रहा है कि जैसे पीरियड ओवर होता है सिर दर्द शुरू हो जाता है राइट टेम्पल उनको क्या लग रहा है एकदम से चिलनेस लग रहा है लेफ्ट टेम्पल में उनको क्या लग रहा है हीट सेंसेशन लग रहा है पेशेंट को है ना। और साथ में जाके कई बार है कि जितनी बार सिर दर्द होता है उनके साथ में कैसा होता है कूल्ड सेंसेशन हो रहा है चीक के ऊपर। इस चारों चीजें यूनिक है किसी भी ड्रग के साथ में नहीं है जहाँ पर जाके जो कूलनेस चिन्हों के साथ में देखने को मिल रहा है। अगर कोई पेशेंट हम लोग को इस तरीके से आ रहा है विद माइग्रेन विद साइटेन हेडेक अदर टाइप ऑफ हेडेक अगर ये सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो हमें बर्बेरस बल्गेरस से बेस्ट और इसके अलावा कोई भी मेडिसिन नहीं है कोई भी मेडिसिन नहीं। लेकिन वहां पर हम लोग अदर्स मेडिसिन को जाएंगे लेकिन कभी भी हेडेक के लिए क्या नहीं सोचेंगे बर्बेरस बल्गेरस जैसे मेडिसिन को कभी सोचेंगे नहीं। तो जहाँ पे इस तरीके के हेडेक देखने को मिल रहा है हेड पेन देखने को मिल रहा है माइग्रेन देखने को मिल रहा है वहां पे हम लोग के माइंड में ये ड्रग आना चाहिए बर्बेरस बल्गेरस जैसे ड्रग को वहां पर हमारे माइंड में सोचना चाहिए है ना। ठीक है तो इस स्टैंडर्ड पैथोलॉजी है कुछ जो इन लोगों के साथ में चल रही होती है कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ क्लियर हो रहा है कंसेप्ट की नहीं अनम्यूट करें लोग तभी बता पाएंगे। यू कैन पुट योर ऑप्शंस यू कैन पुट यस और नो इन चैट बॉक्स आल्सो कुछ क्लियर होना चाहिए ड्रग क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्लियर होना चाहिए सर ड्रग यहां पे जाके क्योंकि आप लोग देखेंगे मेंटल पैथोलॉजी भी देखेंगे इमोशनल पैथोलॉजी भी देखेंगे थोड़ा जो फिजिकल है ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम जो फिजिशियन आता है जो फिजिशियन के पास जो पेशेंट आते हैं वो पर्टिकुलर कंप्लेंट को लेकर आते हैं तो उनके बारे में हम लोग पूरा नॉलेज होना चाहिए इस ड्रग का। कह रहे हैं कुछ कुछ समझ में तो आ रहा है चलो अच्छा है अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है नहीं आ रहा है तो और भी अच्छी चीज है कोई सुनो ठीक है दोनों चीजें अच्छी होती हैं समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी चीज है नहीं आ रहा है तो कुछ बड़ी बात की जा रही है वो ऊपर है डेफिनेटली वो हर के लिए हर किसी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है लेकिन बहुत अच्छा ड्रग है बर्बेरस बहुत अच्छा मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको आप लोगों ने लिमिटेड कर लिया है स्लो स्लो करें ठीक है स्लो करते हैं हम लोग के पास में कई बार होते हैं डेफिनेटली जब तो अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं दो दो तीन महीने के बच्चे भी आते हैं है ना। कई लोग तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट लिखने लगे हैं पीडिया से वो एमडी करते तो पीडियाट्रिक्स लिख लेते हैं तो पीडिया लिख लेते तो बच्चे आते ही रहते हैं। ठीक है जब बच्चे आते हैं तो कई बार होता है कई लोगों तो फेमस ही है मेडिकल स्टोर पर उन्होंने दांत निकल ले होते तो होम्योपैथी खाना चाहिए चाहे वो एमबीबीएस का हो चाहे एमडी हो चाहे कोई भी हो चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो कोई भी हो पर्सन उन्होंने दांत निकल ले जो भी नंबर चलता हो 22 नंबर 12 नंबर 21 नंबर वो तो खिलाई देना मुझे ध्यान नहीं मुझे एक्चुअली नंबर ना तो मैं नंबर वंबर तो होती नहीं होम्योपैथी में कुछ और मैं नंबरों पर जाता नहीं हूँ। ठीक है लेकिन जो भी नंबर चल रहा है तो कई लोग होते हैं जो थोड़े से और अच्छे प्रिस्क्राइबर हैं नहीं कैलिक्रिया पास जानी चाहिए पोडोफाइलम चाहिए जानी चाहिए हायोसामस कोई नहीं सोचता क्या हायोसामस यार डेंटिशन में है ना। पोडोफाइलम भी बहुत कम सोचते हैं ऐसा नहीं पोडोफाइलम हर कोई सोचता है लेकिन हायोसामस पोडोफाइलम जैसे आर्ट ड्रग डेंटिशन के टाइम जो प्रॉब्लम होता है उनके बारे में कई लोग हैं जो रिपेट यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो डेफिनेटली देखते हैं लेकिन बर्बेरस वगैरह जैसी मेडिसिन वो डेंटिशन के टाइम पे कि जब दांत निकल रहे हैं किसी के पेशेंट के पेशेंट इन द सेंस वो बच्चा आ रहा है जो भी 2 साल का 4 साल का इन्फेंट से चाइल्ड है 3-4 साल में जो दांत गिर के फिर से आ रहे हैं वो दांत निकलने के बाद तुम क्या देख रहे हो गम्स में सोइलिंग है गम्स सोइल्ड अप एकदम से रेड है रेड सोर एकदम से लग रहा हुआ तुम उसको जरा सा हाथ लगाते हो बच्चा रोने लगता है जहां पर रेड सोरनेस बना हुआ है गम्स के ऊपर है ना। और स्पेशली जिनके साथ में जब उनके जो दांत दांत निकल रहे हैं उनके और सोर पेन देखने को मिल रहा है और तुम देखोगे दिखा ना मुंह खोलो जरा बच्चे का मुंह खुलवाया टोटल रेड ग्रे कलर का पड़ा हुआ है रेड ग्रे कलर का जहां पर जाके गम्स कैसे हैं रेड है डर्टी कलर के हैं सोर पेन हो रहा है और गम्स कैसे हो रहा है तुम्हारा एकदम से पेनफुल बच्चा कुछ छू ही नहीं पा रहा है उसके अगर 2-3 महीने का होगा इन्फेंट तो उसकी मम्मी बोले ऐसे फीडिंग ही नहीं कर रहा है कुछ भी देते खाता पीता नहीं है और कई बार होते दबाता रहता है जैसे कई बार तो बच्चे दबाते रहते हैं तो मम्मी के लिए दांत निकल रहा है इसलिए दबाते रहते हैं तो कई बार कॉमन सिम्टम में लेके चले जाते हैं तो दबा रहे हैं तो प्रेशर एम्बुलेशन है ऐसे देखा जाए अगर कोई इसको दिमाग लगाने वाले तो प्रेशर एम्बुलेशन है या तो ब्रेन इनसेट रहते है ना। तो इन लोगों ने बोला डेंटिशन के टाइम पे लेकिन जहाँ पर गम्स को लेकर बहुत ज्यादा सॉइल अप है रेडनेस बहुत ज्यादा है प्रेशर से एम्बुलेशन देखने को मिल रहा है वो अगर 4-5 साल का है 3-4 साल का है जहाँ पर जाके दोबारा से दांत आ रहे होते तब भी कई बार होता है गम्स में सॉइलिंग आता है या फिर जो ओल्ड पर्सन है जिनके गम्स में सॉइलिंग है
और जहां पर जाके जो लिप्स है नीचे देखोगे एकदम से ग्रे कलर का, और रेड वहां पे जो डिस्कलेशन देखने को मिल रहा है, और वहां पे जो पेशेंट सोरनेस देखने को मिला है, प्रेशर से एमोलूशन देखने को मिल रहा है, बर्बेरस वल्गरिस स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन इन्फेंट्स में भी, चिल्ड्रेंस में भी और एडल्ट में भी। कई बार होते हैं कि जहां पर जाके कोई ड्रग कैसा है, सोरोसाइकोटिक अगर अकॉर्डिंग टू माइसीमेटिक जाएंगे, जैसे कई जो सोरोसाइटो ड्रग होते हैं, तुमने कई लोगों के जो माउथ को देखा होगा, गम्स कैसे होते हैं, उभरे रहते हैं, अंदर नहीं धसे रहते हैं, दांतों थोड़े से बड़े रहेंगे, यहाँ से जो गम्स है वो ऊपर की तरफ निकले रहते हैं, और वो पायरिया चलते रहता है, जरा सा ब्रश करते हैं ब्लीडिंग होने लगती है, मोस्ट ऑफ टाइम गम्स में रेडनेस ही बनी रहती है। सिमिलर क्योंकि बर्बेरस वल्गरिस मेडिसिन है स्ट्रॉन्ग साइकोटिक रेमेडी, इसलिए तो रीनल स्टोन के लिए है, क्योंकि रीनल स्टोन साइकोटिक मेडिसिन से बिलोंग करता है ना, तो स्ट्रॉन्ग कैसे हमारा सोरो साइकोटिक ड्रग में आता है, और वो ये किसके ड्रग के बीच में आता है, स्टेबिसाइक्लिन और थूजा। यहाँ पे जाके बहुत बार लोगों को आइडियाज नहीं रहता है कि अरे तीन रेमेडी साथ साथ चलती हैं, जैसे स्टेबिसाइक्लिन और थूजा चलता है, टेरेंटोला चलता है, आर्सेनिक थूजा और टेरेंटोला चलता है, उसी तरीके से स्टेबिसाइक्लिन और थूजा के बीच की मेडिसिन कौन सी है, बर्बेरस वल्गरिस। कई लोगों के माइंड में आइडिया नहीं रहता है, बर्बेरस पढ़े होंगे, मेंटल लेवल इमोशनल लेवल पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बहुत टाइम आइडिया नहीं रहता कि यार इन दोनों के बीच में जहां पे तुम ऐसे किसी देख रहे हो, स्ट्रॉन्ग सप्रेशन ऑफ इमोशंस, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, किडनी प्रॉब्लम से ले आ रहे हो, बर्बेरस जा सकती है, नो आइडिया। सर एक क्वेश्चन है, डेंटिशन हाउ इट्स वर्क्स, क्या क्या आवाज नहीं है क्लियर, indentation how does barbarus vulgaris work, matlab iska isme kaisa use hai, kya kehna cha rahi hai, bata do na iska sandar use hai aur kaun se symptoms hai, wahi to hum log discuss kar rahe hain ki jahan pe jaake redness dekhne ko mil raha hai, discoloration dekhne ko mil raha hai, bluish aur jo grey discoloration red discoloration dekhne ko mil raha hai under the lips, प्रेशर एमोलूशन देखने को मिल रहा है, जहां पर हम लोग ब्रेन या अदर ड्रग को सोचते रहते हैं, वहां पे तुम्हारा बर्बेरस वल्गरिस बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आता है, और देना चाहिए, काम करती है मेडिसिन, ऐसा नहीं है, हम लोग केवल पढ़ने के लिए चलो, प्रैक्टिकली चीज करो, प्रैक्टिकली। अब यहाँ पे जाके पोडोफाइलम होगा तो डायरिया आएगा, हाइसामस जैसा बच्चा होगा, अगर यहाँ पे हम लोग कंपेरिजन करने के लिए जाएं तो पोडोफाइलम जो मेडिसिन होता है, सर्टेन टाइम जब उनको डेंटिशन का प्रॉब्लम चलता है, गम्स में सॉलिंग चलता है, मोस्ट ऑफ टाइम डायरिया देखने को मिलता है, हाइसामस कई बार डायरिया देखने को नहीं मिलेगा, एग्रेसिवनेस देखने को बच्चे को मिलेगा, चाहे वो 2 महीने का होगा चाहे 2 साल का होगा, जैसे आप चीज दोगे सिर में मारता है, पल्ले में बिठा दोगे सिर में इधर उधर पटकता रहेगा, क्यों, रीजन सोरनेस, बिकॉज ऑफ द सोरनेस ऑफ द गम्स, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन विद द मेंटल इमोशन, ये चीज बहुत शानदार होती है चीज, तो इन लोग के साथ में जब इसके साथ में कैसे अपना, और 2-4 साल के जब उनका जो माउथ का टेस्ट कैसे वर्म जैसे जल गया हो ऐसा जो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इनफैक्ट तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा डेफिनेटली, कोई एडल्ट को अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है गम्स को लेकर वो एक्सप्रेस कर पाएगा, वो तो डेंटिशन के टाइम पर बहुत अच्छी मेडिसिन में से है, वो अदरवाइज तो है ही, जहाँ पर हम लोग को सिम्टम देखने को मिल रहे हैं कि जहाँ पे जाके गम्स है रेडिश डर्टी देखने को मिल रहा है, गम्स है डेंटिशन ड्यूरिंग भी हो सकता है जब बच्चों के लिए होता है, और माउथ का जो टेस्ट है वर्म टेस्ट कर रहे हैं, बस चीज़ें जल गई, ठीक है, तो यहाँ पे सोच सकते हैं हम लोग इसको बर्बेरस वल्गरिस को, अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग और शानदार मेडिसिन आती है, कहाँ पे बर्बेरस वल्गरिस, सपोज जब कोई पेशेंट आता है वो लाइक क्या तुम्हारा खांसी हो गई है, खांसी कई लोगों की खांसी नहीं जाती है, 2 साल हो जाती है, चलती रहती है, कप सिरप पी लेते हैं, कॉस्टिकम खा लेंगे, ब्रैनिया खा लेंगे, पल्सेटिला खा लेंगे, हाइसामस खा लेंगे, सब कुछ खा लेते हैं और खांसी नहीं जाती है, क्योंकि जब हम लोग पास आते हैं फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल देते हैं मेडिसिन जो भी चल रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेटली अगर कॉन्स्टिट्यूशन सही है तो वर्क करती है मेडिसिन, ऐसा तो नहीं है, वर्क वही करती है जो अकॉर्डिंग टू टाइटल सिम्टम्स आता है, लेकिन कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि जहाँ पर अपन लोगों को मिल रहा है स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, वो कब से खांसी आ रही है, तो पेशेंट को कई बार याद ही नहीं रहता है, मोस्ट ऑफ टाइम याद नहीं रहता है खांसी जैसी, तो खांसी वो जो सर हमने कोल्ड ड्रिंक्स पी ली थी, हमने वो दही कुछ खा लिया था, उसके बाद जुकाम हो गया, फिर खांसी चल रही है, अच्छा और कोई परेशानी है क्या, और तो कुछ नहीं, खांसी से भी ज्यादा परेशानी है, वैसे एक चीज और है, क्या है, पाइल्स चल रहे हैं, पाइल्स की बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, अच्छा फिजिशियन तो है सब, हम लोग अच्छे वाले डॉक्टर्स रहते हैं, पूछेंगे अच्छा पाइल्स कब से चल रहे हैं,
पायल सर हुए होंगे 5 साल, अच्छा खांसी कब से चालू चल रही है 5 साल, और थोड़ा सा और अच्छा डॉक्टर होगा तो हाल पूछेगा पायल से पहले आए थे कि खांसी पहले आई थी, बोले पहले तो बोलेगा यार डॉक्टर साहब कुछ याद नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब पायल से नहीं हुई तो उसमें खांसी नहीं थी, लेकिन पायल से उसके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद खांसी उसके बाद ही आई है। अच्छा कैसी हो रही है? सूखी खांसी आती है कभी कभी, ठसका जाता है, ठसका आता है 10-15 मिनट में चलता रहता है, हमने कई दवाइयाँ खा ली हैं, डॉक्टर कहते कुछ नहीं है, तो वो टीबी का टेस्ट करा लिया उसमें भी कुछ नहीं आया है, रिपोर्ट में सब नेगेटिव आती है, कई बार हम रिपोर्ट करा चुके लेकिन खांसी नहीं जा रही है। तो ऐसे केसेस जहां पे कप का ओरिजिन कहां पे देखने को मिल रहा है, आफ्टर द एपिडेमिक ऑफ हेमरॉइड्स पाइल्स, कि जहां पे जाए किसी पेशेंट को पाइल्स हुआ उसके बाद उसको खांसी आने लगा, वो खांसी जब से पाइल्स हुए तब से उसको खांसी चल रही है, वो उसकी ठीक ही नहीं हुई है, वहां पे हमारे माइंड में बर्बेरिस बल्गेरिस जैसी मेडिसिन आना चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है वहां पे, कौन सा? बर्बेरिस बल्गेरिस मेडिसिन, कि जहां पे जाके हम लोग देख सकते हैं कि जहां पे खांसी है, खांसी किसके साथ आई हुई है, पाइल्स के साथ, है ना। लेकिन यहाँ पे जाके केवल एक मेडिसिन नहीं है, यहाँ पे जाके देखेंगे तो 3 मेडिसिन के साथ में स्ट्रॉन्ग आता है, तो यहाँ पे कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें क्रॉनिकली केस को टैकल करना पड़ेगा क्रॉनिक वे में। तो यहाँ पे जाके ड्रग दूसरा सल्फर और यूफ्रेसिया और बर्बेरिस बल्गेरिस, ये 3 मेडिसिन के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम होता है, कि जिनके साथ में खांसी कब आती है, पाइल्स के बाद में, पाइल्स के साथ साथ जहाँ पेशेंट को डेवलप हुआ है कोई भी खांसी। तो इन 3 मेडिसिन अपने माइंड में आनी चाहिए, और तीनों के साथ में जो पेशेंट के सिम्टम होंगे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और जो भी सिम्टम होंगे उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिख के आ सकते हैं और पेशेंट्स को हम रिकवरी में लेके जा सकते हैं पेशेंट्स को। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए अगर किसी को खांसी और आपस में रिलेशन पाइल्स का, अगर हमें रिलेशन मालूम होगा तो हम उसको जान पाएंगे क्या सल्फर यूफ्रेसिया और बर्बेरिस से हमें कंपेरिजन करना है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, है ना। पहले बोले एक काम करो, 1 साल के लिए हम खांसी की दवाई दे रहे हैं, पाइल्स की बाद में देंगे, या पाइल्स की पहले ले लो तो खांसी की बाद में देंगे, या फिर कई लोग पाइल्स और खांसी की एक साथ देंगे, खांसी की है और पाइल्स की है, वो अपने तरीके से प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, या फिर कोई टोटलिटी पे लेके जाएंगे, टोटलिटी में डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये भी एक तरीका है। वो भी कैसा है, अलग है, जो अलग तरीका अलग नहीं है, सिम्टम्स अनकॉमन है जिसको हम नहीं छोड़ सकते, इसको हम ड्रॉप नहीं कर सकते, हमें सिम्टम को रखना पड़ेगा किसी पेशेंट के साथ, है ना। तो जहां पर जाके ऐसे केसेस देख रहे हैं, या फिर कोई पेशेंट आए अपने क्लिनिक पे आता है और पेशेंट के साथ में क्या देखने को मिल रहा है, स्पेशली कि बोला हेमरॉइड्स के बाद में अगर खांसी देखने को मिल रहा है, और सपोज डेट कई जो पेशेंट्स हैं उन्होंने बोला कि फिस्टुला हो जाता है, और फिस्टुला का जो उनके लिए ट्रीटमेंट क्या होता है, सर्जरी जो कई लोगों के माइंड में रहता है, अगर फिस्टुला तो कभी ठीक नहीं होना है, वो एलोपैथिक मेडिसिन के पास जाते हैं, और एलोपैथिक मेडिसिन वाले जो डॉक्टर्स हैं, अदर्स जो पैथी वाले डॉक्टर्स हैं, तो इसका तो ऑपरेशन आयुर्वेदिक या एलोपैथिक, कोई अपन लोग किसी पर्टिकुलर पैथी की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जिसके पास भी जाते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम उनके साथ में कैसा है, जो मॉडर्न जो साइंस है, सर्जरी, बिना सर्जरी के फिस्टुला ठीक नहीं होगा, और जो बेचारा पेशेंट है वो जाके सर्जरी करा लिया, और सर्जरी करा तो लिया, और सर्जरी कराने के बाद लेकिन उसको क्या डेवलप हो गया, खांसी, अब उसका वो खांसी जा ही नहीं रहा है, तुमने हर तरीके से ट्रीटमेंट कर लिया, हर तरीके से ट्रीटमेंट, उसको सारी मेडिसिन खिला ली खांसी की, सारे कप सीरप उसने खा ली, खांसी उसकी जा ही नहीं रही। जैसे ना केजरीवाल जी की खांसी जो हुई थी, उसने सारे ट्रीटमेंट करा दिए थे उन्होंने, लेकिन उनकी खांसी क्या नहीं हुई थी, जा ही नहीं रही थी, खांसी उनकी कहाँ ठीक हुई थी, नेचुरोपैथिक सेंटर में, वहां पर उन लोगों ने कारण निकाला होगा, कॉज निकाला होगा, वो सब दवाइयां ले चुके थे। तो सिमिलर पेशेंट भटकते रहते हैं, कोई रीजन ही पता नहीं, वो कभी नहीं बताएगा, उसे भी याद नहीं होगा कि यार फिस्टुला की सर्जरी से खांसी का क्या संबंध है, ओके बट डॉक्टर्स को पता नहीं होता है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग को माइंड में आइडिया नहीं रहता है, यार फिस्टुला की सर्जरी हुई थी, बात खत्म, अभी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं फिस्टुला से रिलेटेड, हम उस सिम्टम को लेंगे ही नहीं, क्या खांसी फिस्टुला के बाद है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज आ रही है, हम उसको रिलेशन ही नहीं रखेंगे। कब तक नहीं रखेंगे, जब तक आपके माइंड में नहीं होगा, हम उसको अलग अलग वे में पेशेंट को ट्रीट करते रहेंगे। लेकिन अगर माइंड में है कि नहीं यार सर्जरी फिस्टुला का हुआ है, इसके बाद एक खांसी डेवलप हुआ है, इसके बीच में कोई कारण नहीं मिला है, डेफिनेटली इसका आपस में गहरा रिलेशन है। जब इस गहरे रिलेशन के आधार पर हम इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, रिजल्ट्स मिलेगा। मेडिसिन क्या आएगा, बर्बेरिस वल्गेरिस मेडिसिन, जो कि कई जगह पर हम लोगों के साथ में कैसा है, अगेन कैसा जो बोले निगलेक्टेड रेमेडीज में से मेडिसिन से हम लोग जहाँ पर सोचते नहीं इस लेवल पे बर्बेरिस को लेकर के पर्टिकुलर, है ना, ठीक है। अब बोलेंगे अपन लोग अगर देख सकते हैं कि इसमें हम लोगों ने बात की है पाइल्स की, हेमरॉइड्स के बारे में किसी को खांसी डेवलप हो गया, और किसी को पाइल्स ही हो जाए
पेन हो रहा हो सीवियर, बर्बरेस देंगे क्या? क्लिनिकल प्रिस्क्राइबर है वो, कई लोग तो बोलेंगे सर हमें पाइल से क्या लेने देना है, हम तो पेशेंट को ठीक करते हैं, तो पेशेंट के सिम्टम से मतलब है। कई लोग बोलेंगे हमारा तो पाइल से मतलब है, क्योंकि मतलब दोनों से है, होना चाहिए। पैथोलॉजी भी उतना इंपॉर्टेंट है, पेशेंट भी उतना इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे जो अनकॉमन चीज मिलेगी, चाहे वो पैथोलॉजी से रिलेटेड हो और चाहे वो पेशेंट से रिलेटेड हो, हम दोनों चीजों को नहीं ले सकते, दोनों की रैंकिंग हमेशा रिपोर्टेशन में ऊपर जाती है, है ना। तो पाइल्स के लिए अगर हम लोग देखेंगे, बर्बरिस वल्गरिस माइंड में आएगा नहीं, पेन हो रहा है, सूडनेस हो रहा है, एच प्लस होगा, कांटे जैसे चुभ रहे हैं रिटानिया है, बड़े कांटे चुभ रहे हैं रिटानिया है, छोटे कांटे चुभ रहे हैं एच प्लस है, ब्लीडिंग हो रही है हेमामिलेस है, और कुछ सेकेंड रेमेडीज बर्बरिस नहीं, बर्बरिस तो आएगी नहीं, पाइल्स के लिए कहाँ होती है, क्लिनिकली हम लोग जाते हैं, माइंड लेते नहीं, और साइकोलॉजिकल नहीं पता होगा तो और भी नहीं पता, बर्बरिस जाती नहीं है, और मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट के माइंड में साइकोलॉजिकल इंप्रेशन भी नहीं होता बर्बरिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर जाके देखेंगे कि जहाँ पर ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिनके साथ में कैसा है, हेमरॉइड्स हैं और तुमने जीव देखा फुल ऑफ म्यूकस ऑन द टंग, कह जैसे पायल्स हुए ना, थूकते रहते हैं, पेन हो रहा है सीवियर, थूकते रहते, बलगम इन जो है तंग होता है उसमें म्यूकस जमी रहता है, हम कितना साफ कर लें, साफ ही नहीं होता डॉक्टर साहब। उसको सीवियर अगर पेन हो रहा होगा पाइल्स को लेके, हेमरॉइड्स को लेके, तो वो अपने उसकी बात करेगा, तुम उसकी, आप लोग उसकी टंग देखेंगे ना, तो टंग पे पता चला फुल ऑफ म्यूकस पुटेड, और अगर अच्छा हम लोग ऑब्जर्वेशन है, हम लोग पकड़ पाएंगे पाइल्स और ये चीज कब से हो रहा है म्यूकस, जब से पाइल्स हुए तब से, इसके पहले तो नहीं था। तो जब पाइल्स और म्यूकस जो टंग पे दोनों का डिपोजिशन एक साथ हम लोग को रिलेशन में देखने को मिल रहा है, बर्बरिस वल्गरिस हम लोग माइंड में आना चाहिए, है ना। और उसके साथ में अगर पेशेंट बोल रहा है कि नहीं लैटिन नहीं जा पाते सर, बहुत दर्द होता है, बहुत लैटिन जाने के बाद को ना, क्योंकि जिन्हें पाइल्स होता है बहुत प्रॉब्लम समझ सकता है ना, कोई तकलीफ को समझ सकता है पाइल्स वालों की, क्योंकि बेचारे ना तो बैठ पाते हैं, ना लैटिन जा पाते हैं, ना कोई काम कर पाते हैं, पेन, बहुत सारे होते हैं, रोते हैं बेचारे पेशेंट्स होते हैं, चाहे वो 45 साल के हों, 30 साल के हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, जिसको भी पाइल्स हो जाता है, सीवियर कंडीशन उनके साथ में, बार बार लैटिन पड़ेगा, बार बार ऐसा लगता है कि लैटिन में बैठे रहो, दर्द बना रहता है, और कई बार होता है कि जो हमें ना ब्लीडिंग देखने को मिलता है, जरा सा हमने काम कर लिया एकदम से हमें लगता है कि गीला हो गया नीचे से, हम जाके देखते तो ब्लड होता है, हमने जरा सा काम कर लिया, हमने किचन से केवल 4 रोटी नहीं बनाई है, सब्जी नहीं उठाई, कुकर उठा के रखा था, एक बाल्टी उठा के रखी थी और मुझे नीचे से गीला लगा, हम बाथरूम में गए, ब्लीडिंग हो रही थी। यहाँ पे एक्सटर्नल पाइल्स है, इंटरनल पाइल्स है, जरा सा स्लाइट एक्सर्शन से ब्लीडिंग देखने को मिला पेशेंट के साथ में, टच नहीं कर पाते हम, धो ही नहीं पाते हैं टॉयलेट में जाके, और लैटिन इतना लगता रहता है बस वहीं बैठे रहो। और जब पेशेंट बोलेगा यार इतना अर्जिंग टू स्टूल, सेंसिटिव टू टच, ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है, आप टेंशन बना हुआ है और हेमरॉइड्स है, क्या मेडिसिन आएगी? क्या मेडिसिन आएगी? नक्सोमिका। मोस्ट ऑफ टाइम लोग सोचेंगे कि नक्सोमिका किस है ना, बार बार क्योंकि नक्सोमिका में जैसे लैटिन जाता है, लेकिन या फिर कई लोग क्या सोचेंगे दूसरा ड्रग कौन सा है, कौन सा दूसरा ड्रग, सिम्टम को पकड़ो, मेडिसिन तो बोलो ब्लाइंडली नहीं, यहाँ पे आप लोग जो बात कर रहे हैं कैसा सिम्टम्स करेक्ट बिल्कुल है, क्या स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है, बट रैंडमली नहीं, ये हो सकता है कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं रैंडमली, होम्योपैथी में कुछ भी नहीं होता है, होम्योपैथी पर इज द परफेक्ट साइंस है, तो है इमेजिनेशन का कोई वो नहीं है, लॉ ही नहीं है, ऐसा थोड़ी होगा अगर संडे को पाइल्स वाला पेशेंट आएगा तो पल्सिटला, एमडब्ल्यू पीटीएस में आए तो मर्क्यूरियस, और संडे के दिन आ गया तो फिर एस्कुलस जाएगी, बातें करते हैं डे वाइज हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में पाइल्स लेके आया सल्फर, इवनिंग में लेके आएगा ब्राइनिया, नहीं हो सकता ना ऐसा ठीक है, कई लोग लेकिन अर्जिंग कॉन्स्टेंट अर्जिंग बनी हुई है, कॉन्स्टेंट अर्जिंग, जब कॉन्स्टेंट अर्जिंग किसी पेशेंट के साथ में मिलती है तो उनके साथ में कैसा होता है, मर्क्यूरियस लोग बोलते हैं, मर्क्यूरियस
क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा यार, हम बैठते हैं फिर आते हैं लेकिन सेटिस्फाई नहीं होते हैं, बैठते हैं जाते हैं फिर सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो बार बार क्या लगता रहता है हम टॉयलेट में बैठे रहते हैं, है ना। फिर वहां पर जाके पूछते हैं हम लोग, ठीक है वहां पर हम लोग क्या पूछते हैं कि क्या हो रहा है पर्सन के साथ में, कि आराम हो जाता है कि नहीं, आते हो तो क्या होता है, चलो जाना तो मैं समझ में आया लेकिन जाने के बाद वापस आते हो तो क्या फीलिंग रहती है। और पेशेंट बोलता है कि जाने टाइम तो हमें दिक्कत होती है, आते टाइम लेकिन हमें आराम हो जाते हैं, क्या सोचते हो नक्स बॉम्ब का कॉन्स्टेंट अर्सिंग बनी हुई है मलेक्यूलस ऐसा कर। फिर अपन लोग और दिमाग जाता है ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या है, जैसे बोलते ना कि लोग तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तो मर्कर, म्यूकस बहुत ज़्यादा आ रहा है तो मर्कसॉल, है ना। कई बार हम डिसेंट्री के साथ रिलेट कर लेते हैं रेक्टम को लेके हेमरॉइड के साथ में, और जहाँ पर हम लोग देखते हैं जब म्यूकस बहुत ज़्यादा है तो मर्क्यूरियस है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तो मर्कर है, कभी ये नहीं देखेंगे मर्कर का दूसरा स्ट्रॉन्ग फीचर कौन सा मिलना चाहिए, ग्रुप यूज यूरिनेशन ड्यूरिंग द डिसेंट्री विद द रेक्टल ब्लीडिंग विद द रेक्टल पेन कंप्लेन के साथ में यूरिनेशन बढ़ जाता है, इस सिम्टम को भी नोटिस ही नहीं करते हम लोग, केवल एक सॉर्ट ऑफ पाइप पे डिवाइडेशन करके रखते हैं मेडिसिन को, और पेशेंट बताता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताता है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है अपना, बर्बेरस वल्गरिस जैसे मेडिसिन, कि जहाँ पर कॉन्स्टेंट अर्जिंग बना हुआ है स्टूल का जहाँ पर जाके, और उसको लॉन्ग टाइम अपना स्टूल के लिए मतलब उसको प्रेस करना पड़ता है स्टूल के लिए, पायस एक्सटर्नल होता है, जरा सा एडजस्टन करने से ब्लीडिंग होने लगता है रेक्टम को लेके हेमरॉइड्स को लेके, अगर रेक्टम से ब्लीडिंग हो रहा है जरा से एक्जर्शन से, केवल दो मेडिसिन है स्लाइट एक्जर्शन से ब्लीडिंग के लिए, एक तो मिलीफोलियम है दूसरा कौन सा है बार्बेरस वल्गरिस से, हम लोग के माइंड में कभी नहीं आता, हम एमामेलिस सोचेंगे, हम मर्क्यूरियस सोचेंगे, अदर ड्रग्स सोचेंगे, लेकिन बर्बेरस पर तो ब्लीडिंग रेक्टल ब्लीडिंग के लिए ये नहीं हो सकता। लेकिन फेमस ड्रग है कि जहाँ पर जाके स्लाइट एक्जर्शन से किसी को ब्लीडिंग होने लगे, जरा सा एक्जर्शन किया रेक्टम से ब्लीडिंग, जरा सा एक्जर्शन किया रेक्टम से ब्लीडिंग विद हेमरॉइड्स बर्बेरस वल्गरिस बहुत स्ट्रॉन्गली आती है ना। तो एक अच्छी मेडिसिन में से यहाँ पे जाके जो हम लोग के साथ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या फिर कई बार होता है फीवर के केस देखते हैं, फीवर में हम लोग को देखते हैं या फीवर में हम लोग कई बार बर्बेरस वल्गरिस को नहीं सोचते हैं, एक दो क्लिनिकल पॉइंट इसके वो समझ लेते हैं हम लोग, और ऐसे तो बहुत सारा है इसमें क्लिनिकली, अगर हम लोग जाएंगे तो चार घंटे हम लोग इसी में निकाल सकते हैं क्लिनिकल में, ठीक है। लेकिन इसका क्लिनिकल खत्म नहीं होगा, केवल इसका स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि सेकंड इसके लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल से, अगर हम लोग फीवर के केस देख रहे हैं और फीवर के केस में क्या देख रहे हैं, कोई पेशेंट ऐसा देखने को मिला है जिसके साथ में कैसा है चेंजेबिलिटी, हम अगेन मिस्टेक कर देते हैं चेंजेबिलिटी, चेंजेबिलिटी किस तरीके के तो वो लोग पेशेंट कह रहे हैं डॉक्टर साहब बुखार चढ़ा हुआ है फीवर, अच्छा कब से हो रहा है बुखार, बुखार फीवर कब से आ रहा है आपको, हो गया कल से आ रहा है और हमने फिर लिया था मेडिसिन ठीक नहीं हुआ, फिर अभी आया है चार घंटे से, जो भी पेशेंट आके बोल रहे हैं, अच्छा प्यास कैसी लग रही है, ऐसा तो लगता है कि प्यास लग रही है, पानी पी लेते हैं पता एक दो चार घंटे, बिल्कुल पाँच घंटे से पानी नहीं पिया, और क्या हो रहा है एकदम से भूख लगने लगती है, अचानक से भूख नहीं लगती है, दो तीन दिन से किसी को फीवर चल रहा है, जब चेंजेबिलिटी देखने को मिल रहा है, चेंजेबिलिटी किस चीज को लेके, कि जहां पर जाके थर्स्ट है क्विक चेंज इनटू द थर्स्टलेस, एपेटाइट क्विक चेंज इनटू द लॉस ऑफ एपेटाइट, कि जहां पर जाके इतना चेंजेबल सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं कि पेशेंट के साथ में कैसा है, अभी प्यास है फिर बोल रहा है कि प्यास नहीं है, डॉक्टर क्लियर ही नहीं कर पा रहे, लग रही है कि नहीं लग रही है पता नहीं, लेकिन हमारे साथ में ऐसे ही हो रहा है, कभी प्यास लगती है कभी नहीं लगती है, एकदम से भूख लगने लगेगी फसल हम एक दिन तक खाना नहीं खा रहे हैं पेशेंट के साथ में, तो जहां पर जाके पेशेंट के साथ में तुम्हें इस तरीके के चेंजेबल सिम्टम देखने को मिल रहे हैं स्ट्रॉन्ग, हम लोग वहां पर पल्सेटला अदर्स मेडिसिन को देते रहेंगे लेकिन बर्बेरस को कभी नहीं सोचेंगे, लेकिन हमें पल्सेटला अदर मेडिसिन से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं वहां पर बर्बेरस जैसे मेडिसिन आ सकती है, अब हमारे माइंड में अंतर मतलब एक क्वेश्चन उठ सकता है, तो अगर पल्सेटला से हम लोग डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, राइट ना। चेंजेबिलिटी हम लोग माने कि चेंजेबिलिटी सिम्टम है, चेंजेबिलिटी इसका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बर्बेरस वल्गरिस देनी है कि हमें पल्सेटला देनी है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बोलो भाई कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पल्सेटिला ओपन, पल्सेटिला पल्सेटिला होती है ओपन एयर एमोल्यूरेट होता है, बिल्कुल बिल्कुल, और बर्बेरस में
उसका नहीं मालूम सर. नहीं नहीं राइट है पल्स, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पल्सेटिला को प्रिस्क्राइब करेंगे. पल्सेटिला को हम हाल पूछेंगे ओपन एंड डिजायर होती कि नहीं होती, खुलिया में अच्छा लग रहा है बंद कमरे में अच्छा लग रहा है, पेशेंट के लिए खुलिया में क्या करेंगे पल्सेटिला. नहीं है तू बर्वरेस तो आएगी नहीं ना, बर्वरेस तो लेंगे नहीं, नहीं बर्वरेस नहीं आएगा कभी माइंड में नहीं आएगा. चेंजेबिलिटी ऑफ द सिम्पटम बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, लेकिन बर्वरेस इज थर्स्टी रेमेडी, स्ट्रॉन्ग थर्स्ट, छोटी मोटी थर्स्ट नहीं, स्ट्रॉन्ग थर्स्ट. कोल्ड वाटर की, कोल्ड ड्रिंक्स, लगातार प्यास लगी, पानी पीते रहे और चेंजेबल सिम्टम्स. अब बोलेंगे यहाँ पे लगातार पानी पीने की, अगर आप पेशेंट मिल जाएगा हम लोग रहेंगे सोचेंगे, हम सल्फर पे जाएंगे, नेक्टेमूर जाएंगे, अदर मेडिसिन पे जाएंगे, लेकिन बर्वरेस पे नहीं जाएंगे. लेकिन जब चेंजेबिलिटी, चेंजेबल ऑफ द सिम्टम्स प्लस थर्स्टी रहने, बर्वरेस वगैरह, जहां पर जाकर पेशेंट के साथ में स्ट्रॉन्ग कंफ्यूजन बना हुआ फिजिशियन. अभी तुमने पूछा कि स्टिंग में अच्छा क्या हो रहा है, प्यास लग लेकिन वो मेंटल लेवल पे चेंजेबल है. पल्सेटिला को तुम्हारा मेंटल फिजिकल लेवल पे हो सकता है, मॉर्निंग इवनिंग में अलग है, माइंड लेवल अच्छा चल रहा है इवनिंग में जाके सेट हो जाएगी. लेग पेन है फिजिकल लेवल पे देखने को मिलता है, रात को उसको घुटनों में दर्द होता है, शाम को सिर में दर्द होता है, अदर चेंजेबिलिटी मतलब फिजिकल प्लेन. तो चेंजेबिलिटी में भी क्या है, डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स कई है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर फीवर की बात चली, पर्टिकुलर फीवर, फीवर के साथ चेंजेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग में पल्सेटिला, लेकिन विद थर्स्ट बर्वेरस वल्गरस, विदाउट थर्स्ट पल्सेटिला. क्लियर पॉइंट्स है, कोई वहाँ पर जाके क्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है किसी भी लेवल को लेकर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको लेके, ये मतलब यहाँ पे देखने को मिलता है, या फिर कई बार होता है जैसे अभी जो पेशेंट आ रहे हैं, अभी जितने भी कोविड हम लोग देख रहे हैं, जो भी डॉक्टर्स देख रहे हैं हम कोविड को डील कर रहे होंगे, वो थ्रॉट कंप्लेन आ रही सबको मोस्ट ऑफ टाइम, किसी को नोसिस हो रहा है, किसी को थ्रॉट हो रहा है, थ्रॉट कंप्लेन के साथ में है ना, किसी को डायरेक्ट लंग्स में हो रहा है, लेकिन बहुत मोस्ट ऑफ जो पेशेंट आ रहे हैं वो थ्रॉट के साथ में आ रहे हैं. जहाँ पे कई होते हैं जो पेशेंट्स आते हैं जिनके साथ में कैसा लग रहा है उनको कि इरिटेशन हो रहा है, इरिटेशन गले में, सारे लोग बताते हैं इरिटेशन चल रहा है गले में जितने भी बोलते हैं. इवन आफ्टर एंटीबायोटिक कोर्स, कितने एंटीबायोटिक कोर्स कर लिए तभी भी इरिटेशन नहीं जा रहा उनका. कई बार होता है मेंटल इरिटेशन इतना बढ़ जाता है फिजिकल प्लेन से हट ही नहीं पाते हैं हम, जो अलोन मतलब इतना जो साइकिल को 14 दिन की पूरी करते हैं, इतना डिप्रेशन, इतना इरिटेट हो जाते हैं, इतना लेवल पे हम लोग का मेंटल इमोशनली इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो फिजिकल लेवल से सिम्टम जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. क्योंकि कोविड को लेके अभी भी कितना भी 90% 85% जो भी इसके क्यूरेबिलिटी है, उसके बावजूद भी जब जिसको कोविड होता है तो मोस्ट ऑफ टाइम एक ही माइंड में आता है कि नहीं 50% का गैप हो गया, तुम बचेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि कहानी खत्म हो जाए या फिर नेक्स्ट एपिसोड चले गए, है ना. तो ये जो कंडीशन है हर एक पेशेंट के साथ में, एक स्टार्म ऑफ डेथ जैसा कैंसर में होता है ना, या बचने के चांसेस पूरे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है पेशेंट्स. वो जो साइकोलॉजिकल इरिटेशन होता है वो थॉट से नहीं हट पाता है, ठीक है ना. तो इसलिए मोस्ट ऑफ टाइम नहीं जा रहे हैं लोगों का, लंबे समय तक चल रहा है. और जहाँ पे जाके हम ऐसे किस्से देख रहे हैं जहाँ पे थॉट में लगातार इरिटेशन बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कितना भी पानी पी ले मिट्टी रखी हुई है गले में, मिट्टी रखी हुई है, सैंड लाइक सेंसेशन सैंड लाइक. पेशेंट बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे खुरदरा किसी ने मिट्टी, जैसे होता है ना मटके का पानी पी लो तो अंदर कई बार होता है थॉट जब इन्फेक्शन होता है तो एकदम से मटके का ठंडा पानी पिया जो नया मटका लेके आते हैं, है ना, कभी तो यूज करते होंगे. और जैसे उसका फर्स्ट बार जो पानी पी लेते हैं तो हमेशा जो अपने जो बुजुर्ग लोग हैं क्या बोलते हैं, पहली बार पानी को फेंक देना चाहिए, कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने नया मटके में पहला बार पानी भर के पी लेते हो तो हमेशा थ्रॉट इन्फेक्शन में चले जाते हो. और जैसे थ्रॉट में जाते हो तो वहाँ फीलिंग्स आती है सैंड लाइक फीलिंग्स, और सैंड लाइक फीलिंग्स आ रहे हैं गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और जो गले का दर्द है वो कहाँ पर जा रहे हैं, आर्म्स में, यहाँ से हम जब हाथ ऊपर करते हैं गले में दर्द होता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे गला ना फट जाएगा, टीयरिंग पेन हो रहा है, चुभ रहा है गले में, चैन लाइक सेंसेशन हो रहा है, और जो थ्रोट पेन है एक्सटेंड टू द आर्म्स,
अगर चारों सिम्टम्स हैं किसी पेशेंट के साथ में तो दूसरा कोई ड्रग है ही नहीं। और जहाँ पर जाके पेशेंट अगर थर्स्टी है, क्योंकि अगर पेशेंट थर्स्टी है तो भी हम लोग यहाँ पे हिपरसल टेरिंग पेन है, टेरिंग को किस में बदल लेंगे, स्प्लिंटर में, क्योंकि हम लोग क्या कर लेते हैं सिम्टम खुद के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेंगे। बोलेगा कि नहीं ऐसा लग रहा फट रहा हो, तुमको वो स्प्लिंटर होता है, टेरिंग में स्प्लिंटर दोनों में अलग अलग होता है। जल्दी हाल गया लोगों को भी, पेशेंट अगर हिंदी वाला है तो बोले ऐसा लग रहा है गला फट गया हो, बोले गला फट गया मतलब टीयर की बात करेगा तो हम स्प्लिंटर ले लेंगे, बोलेंगे तो फिर सब सॉलिड लिए प्यास से इसको। लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या फीचर है इसमें जाके, थ्रॉट पेन एक्सटेंड टू द आर्म्स, सेंड लाइक सेंस इन द थ्रॉट, यूनिक फीचर्स है। जहाँ पे अगर पेशेंट इस तरीके के सिम्टम्स बता रहे तो हम लोग डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, उसको सो सकते हैं पेशेंट के साथ। ठीक है, तो ये कुछ क्लिनिकल है इस मेडिसिन का, बहुत स्ट्रॉन्ग है जो क्लिनिकल। इसको लेके कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और इतना इनके साथ में लंबे वो है, इतना ग्लूकोमा है, इतना थ्रॉट पेन है, इनको बैकएक हो रहा है, इनको पाइल्स हो रहा है, साइटेन चीजें क्यों डेवलप हो रही हैं वो लोग हम देखेंगे। अब बिहाइंड द स्टोरीज, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके कितना सारा पैथोलॉजी क्यों डेवलप हो रहा है इन लोगों के साथ में, जो अपने लोगों ने बोला इवोल्यूशन ऑफ द बर्बरस वल्गरिस है ना, इसका इवोल्यूशन क्या है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। इसके बीच में अगर कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं आप लोग, नहीं है तो फिर हम शुरू करते हैं। सर इन द चैट बॉक्स क्वेश्चन है, सर कैन इट बी यूज्ड इन आईबीएस? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या ये यूज में आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है आईबीएस में, अगर सिम्टम मिल रहे हैं तो, क्योंकि सिम्टम भी तो होना चाहिए ना। आईबीएस क्या होता है, आईबीएस में भी तो होता है फ्रिक्वेंट अर्जिंग फॉर द स्टूल, लगातार देखने को मिलता है, बार बार जा रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाते रहते हैं। इसलिए तो आप लोगों ने ड्रग कौन से बोले, आईवीएस के लिए भी तो ये क्या यूज करते हैं लोग, नक्सबॉम का, मर्क्यूरियस जैसे ड्रग, तो हम लोगों ने डिफेंसिजन वहीं से स्टार्ट किया था, हमने पर्टिकुलर आईवीएस नहीं बोला। कई बार तो पेशेंट आईवीएस नहीं जानता है, वो तो ये याद है बार बार लैटिन लग रही है, डॉक्टर साहब बार बार जा के परेशान हो गए। आईवीएस में सोच सकते हैं, उनको सोच सकते हैं आईवीएस क्या, हर एक चीज छोटे से पेन से लेके कैंसर तक बर्बरस ठीक कर सकती है अगर सिम्टम्स होंगे बर्बरस वगैरह। इन पर्टिकुलर लेवल पे अनकॉमन चीजें मिल रही हैं, डेफिनेटली पूछ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो सकता है? एक क्वेश्चन था, बर्बरस हैज एफिनिटी फॉर जीआईटी एंड किडनी, देन हाउ इट वर्क्स ऑन इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स? नहीं, ये तो हम प्रिजुडाइज हैं पहले से, ये तो पहले मैंने बोला है, अपनों को माइंड ही प्रिजुडाइज चल रहा है। हम केस को लेके किडनी या जीआईटी को लेके सोचते रहते हैं, सोचते जा रहे हैं हम लोग इसके जो डिफरेंट, इसी चीज को तो हम लोग क्लियर कर रहे हैं इतना क्लिनिकल पढ़ते कि बर्बरस को किडनी से हटा दो, केवल किडनी के लिए नहीं है। व्हाई बर्बरस इज इन एवर्जन ऑफ मैरिज, एवर्जन टू मैरिज बर्बरस वल्गरिस के साथ में, इसमें कहां है वो, तो पिक्रिक एसिड का सिम्टम बोल लेते हैं एवर्जन टू मैरिज में भी है, ड्यू टू इंपोर्टेंस एवर्जन अपोजिट सेक्स में है, अपोजिट सेक्स वो अलग चीज है, वो उसका रीजन पढ़ेंगे। उसके साथ में उसको एज ए कॉन्फ्लिक्ट रहता है एज ए वुमेन और जो क्या बोलते हैं उसको मदर, जो जनरली रहता है बहुत ज्यादा इसके साथ में सेक्सुअल एब्यूजिंग हिस्ट्री बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इनके साथ में जो एवर्जन टू सेक्स इनके साथ में देखने को मिलता है, तो वो भी लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल, तो सारा है हम लोग अपने को देखेंगे उसको। पोटेंसी व्हिच इज यूजुअली हेल्पफुल, देयर इज अनदर क्वेश्चन। पोटेंसी इज तो सीधा सीधा रिलेशन रहता है हमेशा वाइटलिटी के ऊपर, वाइटलिटी जिस तरीके से एक्सप्रेस करेगी पोटेंशियल हमेशा उसी तरीके से सिलेक्शन में जाएगा। हम ब्लाइंडली नहीं कह सकते टी टी एस 200 खिलाएंगे और MWF 1 एम देंगे और संडे के दिन 30 चलेगी, कभी नहीं हो सकता। जो भी सिम्टम होंगे अकॉर्डिंग टू वाइटलिटी, वाइटलिटी की डिमांड है 10 एम का तो आप कैंसर में भी 10 एम दे सकते हो और सी एम दे सकते हो, और वाइटलिटी का डिमांड नहीं है तो लैकिंग ऑफ सिम्टम्स है, लैकिंग ऑफ जनरेटिस है, लेकिन वो मेंटल इमोशनल सिम्टम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन फिर भी तो बर्बरस लग रहा है, लो पोटेंसी हो जाएगा, वो तो ऑर्गेनोन से रिलेटेड सारा सारा है, तो पोटेंसी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट रिलेशन है वाइटिलिटी से, कई बार स्टूडेंट के माइंड में नहीं आता है सर वाइटिलिटी से क्या होता है, हर कोई बोल रहा है वाइटिलिटी से जज करना है, वाइटिलिटी से जज कैसे करेंगे, वाइटिलिटी किसका जो एक्सप्रेशन होता है वो किसका होता है, थ्रू द मेंटल फिजिकल
लेवल, इमोशन लेवल, तो कितना मेंटल इमोशनल और फिजिकल कंप्लीट सिम्टम हमको देखने को मिला है हमारा उतना स्ट्रॉन्ग जाएगा पोटेंसी, और जितना लैकिंग ऑफ मेंटल इमोशनल और फिजिकल लेवल से होगा उतना उसका लो पोटेंसी में जाएगा, अगर सिम्टम ही नहीं होगा तो मेडिसिन बदल जाएगा, पोटेंसी क्यों जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन मतलब जो रिलेशन है वो वाइटलिटी से है, कोई इशू नहीं इसको लेकर। So you can continue, इतने ही questions as of now. ठीक है, ये जो हम लोगों ने देखा है बर्बरस वर्गर स्लाइड दिखी रही होगी इसके ऊपर, तो स्लाइड अपने आप में रिप्रेजेंट कर रही है सारी मेडिसिन को, है ना। तो यहाँ पे जाके एक जो पिट रहा है और पिटने पिटने के बाद इसको क्या हो गया, तीन पर्सनैलिटी डेवलप होगी इसको, है ना। बर्बरस जो बल्गर एक छोटी सी मेडिसिन है, बहुत एक क्लासिकल इसका डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है दिन के साथ में, जैसे हम जस्ट लाइक पढ़ते सल्फर है, नक्सबोम का है, इग्निसिया है, नेक्टरम्यूर है, स्टेफिसाइगिरिया इवन नाजर जैसी मेडिसिन हैं, और अगर हम पर्टिकुलर अपन बर्बरस से कंपेयर करें तो स्टेफिसाइगिरिया नाजा जैसी मेडिसिन के साथ में या नेक्टरम्यूर जैसी मेडिसिन के साथ में कई बार डिफ्रेंशिएशन पॉइंट होना चाहिए कि जहाँ पर तुम्हारे माइंड में नाजा आ रहा है, तुम्हारे माइंड में नेक्टरम्यूर आ रहा है, तुम्हारे माइंड में स्टेफिसाइगिरिया आ रहा है, तो वहाँ पर बर्बरस बर्गरस भी एक बार माइंड में आना चाहिए, लेकिन हम लोग के माइंड में नहीं आता, ये चीज़ ये अलग पॉइंट है, लेकिन ये आना चाहिए क्योंकि इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट लगभग लगभग एक जैसा है और सबके रिएक्शंस कैसे हैं एक जैसे, जैसे बोलते हैं ना कॉज वही है, वेदर वही है, टेम्परेचर वही है, लेकिन हर एक जीव का डेवलपमेंट कैसा है अलग अलग है, हर पर्सन ने अपने सेम इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीके से ग्रो करता है, सैडनेस वही है, लॉस ऑफ लवंस वही है, लेकिन पर्सन का डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट वे में होता है। तो यहाँ पर जाके जो लोग देखेंगे अगर इसको बर्बरस बल्गरस जैसे मेडिसिन को, तो कई बार इसकी कहानी भी कहाँ से शुरू होती है बर्बरस बल्गरस की, कि जहाँ पर जाके जिनके साथ में कैसा होता है कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशंस रहती है, और जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की जो कंडीशंस होती है किनके साथ में देखने को मिलता है कि जो जिनके साथ में कैसा होता है एक इमेजिनरी जो वर्ल्ड रहता है, जैसे इग्निसिया कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द माइंड एंड हार्ट, लाइकोपोडियम कॉन्फ्लिक्ट, एनाकार्डियम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द माइंड एंड हार्ट, है ना। लेकिन पर्टिकुलर हम लोग नहीं बोलेंगे इसको लेके, तो माइंड एंड हार्ट को लेके, लेकिन इनके साथ में भी कैसा है एक आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड को लेके कैसा होता है एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है बर्बरस बल्गरस के साथ में। कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ को लेके, क्योंकि कई बार कैसा होता है जब हम लोग अपने आप को भी इमेजिन करें, जितने भी लोग भी सुन रहे हैं, हम लोग अपने चाइल्डहुड में जाएं, है ना, आज हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पे जाके जो भी जितने साल का होगा हम लोग इतना लाइफ निकाला आगे और खुद को ऑब्जर्व करेंगे, तो तुम देखोगे जो बचपन में थे क्या आज वही हो, चेंज हो गए हो, चेंज, बचपन अलग था, क्यों, चाइल्डहुड कैसा था, चाइल्डहुड को हम कैसे देखते हैं, बाय द बुक्स, बाय द बुक्स, बाय द सराउंडिंग्स, है ना, विद द मोरलिटीज, जो चीजें होती हैं, तो हमेशा कैसा होता है हर एक जो पर्सन है उसको किस चीज से सफर करना पड़ता है, एक तो जो अंदर क्या चल रहा है उसके अंदर इनर वर्ल्ड क्या है, इंटरनल इमोशंस क्या है, इंटरनल माइंड क्या है, और उसको आउटर वर्ल्ड से रिसीव क्या हो रहा है, सारी चीजें इसी पर चलती हैं, सब कुछ इसी पर चलता है। और जहां पर आउटर वर्ल्ड से अगर बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल रही होंगी, फेवरेबल एनवायरमेंट मिलेगा, ग्रो कर जाता है, लेकिन अगर फेवरेबल एनवायरमेंट नहीं मिला तो डिफरेंट पैथोलॉजी डेवलप होती है। सर प्लीज रिड्यूस द स्पीड एंड इंक्रीज द वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फुल है और स्पीड भी फुल है। ठीक है, इतना तो सिलो बोल रहे हैं, इससे क्या सिलो बोलेंगे, इतना सिलो बोलेंगे तो रात को पहुंचेंगे दिल्ली। ठीक है, थोड़ा सा फिर भी कोशिश करते हैं। एक आउटर वर्ल्ड होता है, एक इनर वर्ल्ड होता है, जो हम लोग समझाने की बात कर रहे हैं। आउटर वर्ल्ड वो चीज होती है कि जहां से हम लोग कैसा होता है, जो आउटर जो चीज है, आउटर जो इन्वायरमेंट है, जो स्कूल है अपना, जो हम लोग अपनी जो मोरलिटी अपने माइंड में जो चीजें रखी हुई है उसको लेके जो चीजें चल रही है, तो हमेशा हर ड्रग के साथ में रहता है, इनर और आउटर चीजें चलती रहती है हमेशा। इनर वर्ल्ड होता है हमारा, जैसे हम लोग जो बात कर रहे थे कि हम लोग का चाइल्डहुड जो होता है वो कैसा होता है, थोड़ा अलग होता है, क्योंकि हम चाइल्डहुड में हम लोग कैसे चलते हैं, बाय द बुक्स, बुक कैसे, बुक क्या बताता है अपने को, मोरलिटी, किसी के साथ गलत नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी है, किसी को गाली नहीं देना है, किसी को बैड वर्ड नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, सबके साथ में अच्छा करना है, हम लोग किसी के साथ में डेवलपमेंट हुआ है ना हम लोगों का, है ना, सारी दुनिया कैसी है, बहुत अच्छी है, कोई किसी साथ गलत नहीं करता, होते ही नहीं गलत, तो कुछ भी जब तुम इस तरीके से चीजें बताई जाती हैं, तुम दुख में होते हो, कष्ट में होते हो, भगवान आते हैं, फिर तुम मूवी दिखाई जाती हैं कि तुम कुछ में कष्ट में थे, टीवी में देखा, भगवान ने उसको साइकिल दे दी, भगवान ने उसको पैसे दे दिए, भगवान ने उसको प्रसाद दे दिया, हमारा इमेजिनेशन बढ़ता जाता है,
और हम एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं, हमारे पास जो इम्प्रेशन कैसा जाता है, एक ब्यूटीफुल इम्प्रेशन अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया में कोई चीज खराब नहीं है ना। तो लेकिन जब कैसा होता है, रियलिटी में आते हैं, रियलिटी क्या होती है, जो हम लोगों ने बोला ड्रग के साथ में, कि उन्होंने बोला रियलिटी किस चीज को लेके है कि सपोज दैट कोई पेशेंट है, जैसे अपन लोग देखें इसके जो एलिमेंट्स हैं, अगर इसके एलिमेंट देखोगे, फिजिकल एब्यूज, एलिमेंट फ्रॉम द सेक्सुअल एब्यूज, एलिमेंट फ्रॉम द क्वारल, एलिमेंट फ्रॉम द ओवर विलेमिंग, तो चीजें देखने को मिलता है इनके साथ में, है ना। तो जो एलिमेंट्स इन लोगों के इस ड्रग की होती है, जहाँ से इनका डिसीज का जो ओरिजिन होता है, जो इनका साइकोलॉजिकल जो मेंटल इमोशनल लेवल पे का होता है, जो पैथोलॉजी इन लोगों के साथ में डेवलप होता है। अब जो इस तरीके से इस इमेजिनेशन के साथ में, जैसे इग्निशिया होता है विद द मोरलिटी, एनाकाइडियम होता है विद द मोरलिटी, स्टेबिस होता है विद द मोरलिटी, क्या यार अच्छी है दुनिया, अच्छी है, बहुत कुछ अच्छा है दुनिया में, है ना। लेकिन वहीं पर जाके तुम जाते हो कि तुमने देखा किस चीज़ को लेके, पेरेंट्स को, है ना। तुम सोचना कि जब तुम हो गया, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर तुम्हें पता चला हो अचानक से तुम्हारे पेरेंट्स किसी किसी झूठ बोल रहे हैं, पेरेंट किसी को गाली दे रहे हो, इमेजिनेशन कैसा होता है, ब्रेक होता है, इम्प्रेशन कैसा होता है, खराब होता है, ब्यूटीफुल जो इम्प्रेशन जो हम लोगों के माइंड में चल रहे हैं, है ना। तो इन लोगों के साथ में भी जनरली कैसा होता है, इन्होंने देखा कि सपोज डेट, उन्होंने बोला कैसा रिलेशन तो अच्छा होता है, मामा अच्छे होते हैं, बुआ अच्छी होती है, चाचा अच्छे होते हैं, सेकंड रिलेशन अच्छे होते हैं, टीचर अच्छे होते हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं। पता चला ये 3-4 साल के हुए, 5 साल के हुए, और एकदम से इनको क्या किया, सेक्सुअली हरेस किया गया। पता चला मोस्ट ऑफ टाइम कैसा होता है, जैसे इंडिया में कई लोग सफर करते हैं, कई पेशेंट्स आते हैं जिनके साथ में सेक्सुअल हरेसमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रहती है, लेकिन सोशल जो चीज़ें रहती हैं नहीं बता पाते हैं, कई फैमिली का प्रेशर होता है वो नहीं बता पाते हैं, और जो जिनके साथ में जो इनको हरेस करते हैं, जो सेक्सुअली हरेस करते हैं, उनके साथ में वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं लोगों के साथ, उन चीज़ों से वो हट ही नहीं पाते हैं, और वो अंदर ही अंदर उनकी क्या होती है, जो उनकी आइडेंटिटी है वो फिनिश होती जाती है, खुद से खत्म होते जाते हैं। लेकिन स्टैंड जो लेना चाहिए वो कभी नहीं ले पाते, है ना। तो जो इस तरीके से तब उनको क्या समझ में आता है, अरे यार आउटर जो वर्ल्ड कैसा है, टोटल टॉर्चर, कुछ है ही नहीं इस चीज को लेकर। उन्होंने हमें तो बताया गया था कि रिलेशन कैसे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, है ना। आजकल देखना ना, जितनी चीजें बढ़ी, जितनी समझदारी बढ़ी है, वो चीजें कैसी हो गई, आजकल कोई जाते नहीं है, अपने बच्चों को बाहर ही नहीं भेजता, बिकॉज ऑफ द फियर, तो तुम देख रहे हो सेकंड चीज को लेकर, वो कह रहे हैं नहीं यार लड़की बड़ी हो गई, नहीं जाना चाहिए, इन यहाँ नहीं भेजना चाहिए, सही बात। और कई बार कितना हो रहा है, बाहर ही नहीं आता है। तो ऐसे केसेस जहाँ पे जाके कैसा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अब्यूजिंग जो कंडीशन है, जहाँ पे जाके जिनका ड्रग का डेवलपमेंट किसके साथ में हुआ है, विद द मोरलिटी, विद द ब्यूटीफुल इंप्रेशन, ब्यूटीफुल इंप्रेशन अबाउट द टीचर, ब्यूटीफुल इंप्रेशन अबाउट द रिलेटिव, ब्यूटीफुल रिलेशन अबाउट द सराउंडिंग सोसाइटी। और लेकिन वहां पर जाकर उन लोगों के साथ में कैसा हुआ, अरे यार सोसाइटी तो कुछ होती नहीं है, तुम वहां पे गए और सोसाइटी में जाने के बाद में क्या हुआ, एकदम से जो पर्सन से रिलेटिव है, एकदम से जो पर्सन है ऑफिस में जा रहा है, तुम्हारा जो पेशेंट है, जो भी बोले जो पर्सन है, उसके साथ में कैसा हुआ, तुम्हारा सेक्सुअल जो एब्यूजिंग जो हिस्ट्री देखने को मिल रहा है जिनके साथ में बहुत स्ट्रांगली, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं वहां पर जाके इन चीजों को लेके, कि जहां पर जाके इनके माइंड कैसा होता है, एकदम से डाउट में चला जाता है, क्या ये क्या है। जैसी जो दुनिया है हमें दिखाई गई थी, हमें बाय द बुक्स बताई गई थी, जो हमें इंप्रेशन बताया गया था, वो क्या सही है, नहीं, इमेजिनेशन ब्रेक हो जाता है। और इन लोग के साथ में होता है एक क्या होता है, तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन बनती है हमेशा, कॉन्फ्लिक्ट, है ना। कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन क्या होती है किसी पेशेंट के साथ में, कि जनरली कैसा होता है, जब वो पर्सन क्या नहीं कर पाता है, किसी चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। डाइजेस्ट इन द सेंस कि सपोज दैट, जैसे अपन बोलते हैं स्टेबिस एग्रिया, जैसे मेडिसिन है, यहाँ पर कंपेरिजन आता है कि सर यहाँ पर स्टेबिस एग्रिया आ सकता है, यहाँ पर इग्निशिया आ सकता है, यहाँ पर नेगेटिव मूड जैसे ड्रग भी आ सकते हैं, और कई ड्रग होंगे जो तुम्हारा एलिमेंट ऑफ द सेक्सुअल एब्यूजिंग जैसी कंडीशन में पड़े होंगे, है ना। लेकिन स्टेबिस एग्रिया जैसी मेडिसिन है, इनके साथ में कैसे तुम्हारा इंडिग्निशन, डाइजेस्ट कर लिया, गुस्सा डेवलप हो गया, नेक्ट्रम यूरे डेवलप कर गया, सर्टेन डिसीजेस एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को लेके, और सर्टेन पैथोलॉजी में चले गए। लेकिन बर्बेरस वेलेगरस के साथ में देखोगे, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, ना तो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना छोड़ ही पा रहे हैं, और लाइफ कैसे होती जा रही है उनकी, आगे बढ़ती जा रही, उसी के साथ साथ करें क्या, बताएं नहीं बताएं, करें क्या, लड़ें नहीं लड़ें, किसी को बोलें कि नहीं बोलें, पुलिस में रिपोर्ट करें कि नहीं करें, और उनकी खुद का जो आइडेंटिटी, जो क्राइसिस है, जो आइडेंटिटी है, वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है डे बाई डे।
जब हम ऐसे केसेस को देखते हैं तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते ड्रग को। और यहाँ पे देखेंगे तो बर्बेरस केस होता है यूनिट ड्रग कि जिनके साथ में कैसे तुम्हारा अपने कॉन्फ्लिक्ट के साथ ही अपनी लाइफ को कैसे जा रहे हैं आगे लेके जा रहे हैं, जहाँ पर जाके स्ट्रॉन्ग जो सेक्सुअल जो एब्यूजिंग जो कंडीशन है जिसकी वजह से जो उसका जो इमेजिनेशन है वो टोटल कैसा हो गया डिस्ट्रॉय, जो ब्यूटीफुल जो मोरालिटी थी जो इंप्रेशन थे वो डिस्ट्रॉय हो गए और पर्सन किस में चला गया पैथोलॉजी में चला गया। अब वही पेशेंट क्लिनिक में तुम्हारे पास आता है फिर तुम बोलते हो तुमसे कह रहे हैं कि नहीं यार शादी नहीं करनी चाहिए, शादी नाम की तो बेकार चीज होती है ना, मैरिज तो होनी नहीं चाहिए, मैरिज कभी करनी नहीं चाहिए। अब कोई बोले अगर पर्सन हो वो तुम्हारा 28 ईयर्स हो 30 ईयर्स हो 35 ईयर्स हो मैरिज नहीं करना चाहिए, तो बोलो शादी हो गई नहीं, पेशेंट से पूछा आपकी शादी हो गई मैरिड हो अनमैरिड हो, अनमैरिड है शादी नहीं की करने नहीं चाहिए शादी। अब यहाँ पर डॉक्टर को फिजिशियन को पूछना चाहिए क्यों हुआ है शादी क्यों नहीं करनी चाहिए क्या रीजन है, उसके सेकंड रीजन आपको पता चलेंगे। कई लोगों के माइंड में कैसा है उन्होंने बोला मैरिज जस्ट लाइक द सेम सेक्सुअल रिलेशन जस्ट लाइक द सेम पल्सेट अदर्स ड्रग उनके बिकॉज ऑफ द रिलीजियस फैनाटिज्म। और यहाँ पे क्या लिलियम टिक भी तो आती है ना, हाँ लिलियम टिक लेकिन लिलियम टिक के साथ में दोनों चीजें देखने को मिलती हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है इन लोगों के साथ में, मतलब इनके साथ में वो जैसे जनरली जो एक मोरल जो बोलते हैं ना जो सेक्सुअलिटी विद द रिलीजियस जो वर्सेस उनके साथ में देखने को मिलता है वो इनमें कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है इसमें, इट्स सर्टेन ड्रग है लेकिन उनमें रिलीजियस चीजों को लेकर रहता है ज्यादा। जैसे जनरली जो लिलियम टिक का जो डेवलपमेंट होता है जैसे जो जैसे बोलते हैं ना आप लोग ब्रह्म कुमारी आश्रम चलते हैं जो क्रिश्चियनिटी में जो नंस बन जाते हैं मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ को डिवोटेड कर दिया लेकिन अपनी फिजिकल जो डिजायर्स जो नॉर्मल है उसको ड्रॉप नहीं कर पाए तो उनको जो पढ़ा दिया जाता है बार बार उनको तुम्हारा गीता पढ़ाई गई उनको तुम्हारा जो चाहे मुस्लिम अगर धर्म है तो उनको उनके अकॉर्डिंग पढ़ाया गया, क्रिश्चियन ने अपने पढ़ाया उन्होंने बोला चार चीजों को लेकर सिन है यार ये तो पाप है ऐसा नहीं जाना चाहिए, हमारा शरीर गंदा हो जाएगा सोल गंदी हो जाएगी हम ईश्वर के पास नहीं पहुंच सकते और उनको क्या हो जाता है एवर्जन टू मैरिज एवर्जन टू सेक्स। लेकिन बर्बेरस के साथ में जैसे होता ना हम लोग पढ़े थे प्लेटिना हम लोग पढ़े थे नेक्टम्यू हम लोग पढ़े थे सीपीआर है ना, जैसे सीपीआर ड्रग है कॉस्टिकम ड्रग एवर्जन टू सेक्स बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस ऑफ द वजाइना लाइकोपोडियम ड्राइनेस ऑफ द वजाइना, यहाँ पे जाके अगर एवर्जन टू सेक्स है तो बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस ऑफ द वजाइना भी स्ट्रॉन्ग रीजन है विद द बर्बेरस वल्गरिस जिनके साथ में कैसा होता है। और सीपीआर के साथ में अगर हम लोग ने पढ़ा होगा तो सीपीआर के साथ में क्या अपन लोग के साथ में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि उनके साथ में कैसा होता है इमेजिनरी चीजें तो अच्छी है इमेजिनेशन बहुत ज्यादा है लेकिन जब वो रियलिटी में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है यार कोई एनर्जी नहीं है ये तो केवल इमेज मतलब क्योंकि जो सीपीआर जो ड्रग होता है इनके साथ में कैसा होता है लैक ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ द दो फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं एक तो एस्ट्रोजन और एंड्रोजन हार्मोन दोनों अपनी अपनी तरफ खींचते हैं इसलिए वो लोग कैसे तुम्हारा सेलेनाइट डिस्पोजिशन उनके साथ में देखने को मिलता है। उन्होंने बोला जो हम लोग पढ़ते हैं ना मेल लाइक लोग क्यों है क्योंकि उन्होंने बोला कि जनरली फीमेल में कैसा होना चाहिए 80-90% एस्ट्रोजन हार्मोन चाहिए और तुम्हारा 10-15% ऐसे का एंड्रोजन हार्मोन चाहिए इसलिए कुछ कैसे जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं वो मेल जैसे होते हैं लेकिन मतलब हार्मोन चेंज हो जाए एस्ट्रोजन 65 और ये तुम्हारा 35 तो चीजें क्या होंगी फिजिकल लेवल भी चेंज हो जाएगा और मेंटल इमोशनल लेवल भी चेंज हो जाएगा इसलिए वो लोग क्या चाहते हैं इंडिपेंडेंट वो अपने आप को किसी मेल से कम नहीं समझते बिकॉज ऑफ द हार्मोनल और आगे बढ़ जाते हैं वो कहते नहीं यार ये कुछ गलत होगा रिलेशन में कुछ नहीं है और गो इनटू द रिलेशन अगेन बाद में उनको समझ में आता है अरे यार पेशेंट मतलब जो सामने वाले पर्सन के साथ प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम हमारे साथ में उनका ड्रग अलग डेवलपमेंट देखने को मिलता है। वो बर्बेरस वल्गरिस के साथ में बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल एब्यूसिवनेस अब जिसके साथ में हो जाता है जैसे एक जो पेशेंट थी वो उनके साथ में मतलब सिमिलर कंडीशंस थी ये पेशेंट के साथ में कि उसके जो भी थे मतलब उसके जो भी रिलेशन में कोई था तो रिलेशन में उनके साथ में इस तरीके से रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश किया होगा और उसने अपनी मम्मी को बोला तो उसकी मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं बताना नहीं है किसी को हमारा नाम खराब हो जाएगा और वो ना उसके रिलेशन में पता चल जाएगा तो रिलेशन टूट जाएगा उसने नहीं बताया वो उसको मैसेज करते थे बार बार मेंटली हर्ट होती रहती थी इमोशनली टॉर्चर होती रहती थी किसी को शेयर नहीं कर पाए उस चीज़ को लेकर किसको बताएं हम क्या करें हम उस चीज़ को लेकर मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस। अब जब उसकी छोटी सिस्टर थी वो अपनी सिस्टर को कहीं नहीं भेजती थी नहीं भेजना है मैं कहीं पर भी वो उसका कहना था हम कहीं नहीं भेजते हैं और दूसरी कहीं भी जाती थी वो हर किसी को क्या बोलती थी
देखो लड़कियों को किसी घर नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को तो अपने घर में रहना चाहिए सिर्फ, है ना, लड़कियों को दूसरे घर में तो जाने नहीं चाहिए। तो ये जो चीज कैसे है अपना आइडेंटिटी क्राइसिस, जब अपना कितना सस्पिशियस हो गया, हमारे साथ हो गया, पूरा टोटल जो टोटल जो मेंटल है लेवल है वो ही चेंज हो गया, सर का सर सब कुछ बदल गया। तो जो चीजें होती है अगर इस तरीके से हमें कहीं पर देखने को मिल रहा है, जब वहां पे ऐसे केसेस देखेंगे हम लोग, तो हम लोग सेक्सुअल एब्यूज में सेकंड ड्रग पे जाएंगे, बर्बरस वल्गरिस पे नहीं जाएंगे। लेकिन बर्बरस वल्गरिस कैसे अपना बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, जहां पर जाके आफ्टर द सेक्सुअल एब्यूजिंग के बाद इनके साथ में क्या देखने को मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी कंफ्यूजन डेवलप हो जाता है हम लोग के साथ। तो ऐसे केसेस है, ये मेरे पास में सर्बिया की एक पेशेंट थी फॉरन की, उसके साथ में सिमिलर कंडीशन थी कि वो ATS की थी, तो ATS के साथ में उसके जो पड़ोसी होंगे तो उन्होंने रेप अटेम्प्ट किया उसके साथ में, तो रेप अटेम्प्ट करने के बाद में वो कभी स्कूल नहीं जा पाई, वो कभी पढ़ने में मन नहीं लगता था, हम पढ़ते थे माइंड में वही चलता रहता था, एक हमें लड़कों को लेकर हमारे क्या गुस्सा सा भर गया था, सोसाइटी को लेकर गुस्सा सा भर गया था, मैंने क्या करते रहते हो कुछ नहीं। तो वो उसके साथ में क्या था, मतलब जो भी थी गांव में रहती होगी तो जाके फावड़ा लेती थी, मिट्टी खोदती रहेगी, वो उसमें अपना गार्डनिंग करती रहेगी, दिन भर यही करती रहती थी, कह रहा मैं किसी मिलने नहीं आना, कुछ नहीं करना, कहीं कुछ नहीं करना, किसी पर ट्रस्ट नहीं। तो इस तरीके का जो कहां पर जहां पर हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है ना, कि जहां पर जाके तुम्हारा इनर जो इमोशंस है टोटल कैसे हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए जहां पर जाके। तो ऐसे लेवल पे हम लोग क्या सोच सकते हैं, बर्बरस वल्गरिस आती है। लेकिन स्टेपसाइग्रिया मैंने बोला, स्टेपसाइग्रिया सोच सकते हो डेफिनेटली, नाजा जैसी मेडिसिन आ सकती है वो भी सोच सकते हो, लेकिन उन लोगों के साथ में कैसा है, एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस डेवलप होता है, एंगर डेवलप होता है, सर्टेन इरिटेबिलिटी डेवलप होगी, है ना। लेकिन इन लोगों के साथ में कोई चीज डेवलप नहीं होती, क्यों, वो लोग के साथ में कैसा है, चीजें कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, कॉन्शियस माइंड में जो भी प्रॉब्लम होता है इन लोगों के साथ में कॉन्शियस माइंड में स्टिल, जबकि इन लोगों के साथ में उस सबकॉन्शियस माइंड में रखी हुई है, कॉन्शियस में जा नहीं पाती चीजें, कॉन्शियस में नहीं, कॉन्शियस माइंड में वो चीजें जाती हैं जो चीजें आप डाइजेस्ट कर लेते हो, है ना। सबकॉन्शियस माइंड हर चीज कॉन्शियस माइंड में नहीं जाती है। आप सर्टेन लोगों से मिलते हो, दिन में 100 लोगों से बात करते हो, 50 चेहरे देखते हो, हजारों चेहरे देखते हो, लेकिन सब कुछ याद थोड़ी रहता है, घर पर जाके वही चीज याद रहती है, वही आपको जो बोलते ना कि जो घटना होगी वो याद रहती है, इवेंट याद रहेगा जो आपने ध्यान दिया होगा, जो कॉन्शियसली आप चले गए होंगे। तो ये लोग क्या कर पाते, सबकॉन्शियस कॉन्शियस में अटके रहते हैं, निकल ही नहीं पाते उस चीज को लेकर। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बर्बरस वल्गरिस के साथ में। जब भी अदर मेडिसिन के साथ में कंफ्यूजन है, इस पॉइंट को माइंड में रखो कि कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है पेशेंट, कि उससे निकल के आगे पैथोलॉजी में चला गया, और ये हमेशा एक ऐसे होते हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट में बने रहते हैं। सिमिलर कंडीशन होती है ये जो आउटर बॉडी, जो अपन लोगों ने देखा कि सिमिलर कंडीशन कहाँ पे, एक सेक्सुअल एब्यूजिंग है, दूसरा बोला कि फिजिकल एब्यूज, ऐसे लोगों के बच्चों के साथ में कौन से बच्चे जहाँ पे बर्बरस वल्गरिस देखने को मिलता है, एक पॉइंट हम लोग जो देख रहे हैं, एक पार्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से हम लोग इसको प्रिस्क्रिप्शन लेके आ सकते हैं, कौन सा पॉइंट, कि जहां पर जाके जरा सा कोई मिस्टेक हुआ किसी बच्चे से, है ना, जरा सी कोई गलती हुई और उसको पनिश कैसा किया गया, बहुत ज्यादा मार पिटाई, है ना। जैसे कई पेरेंट्स कैसे होते हैं, बहुत एग्रेसिव, उन्होंने बोला कि हमें तो चाहिए 90% से कम आए तो पिटाई, कुछ नहीं मिलेगा, पॉकेट मनी छीन लिया जाएगी, मोबाइल रख लिए जाएंगे और पिटाई होगी अलग, है ना। और फिजिकल एब्यूज जो कंडीशन है, पिटाई तो एक सिंपल सी चीज़ है मारना, जहाँ पे एब्यूजिंग जैसा वर्ड आ जाता है, कि जहाँ पे जाके तुम्हें कैसा किया गया, मेंटली हरेस किया गया, इमोशनली हरेस किया गया, है ना। जैसे 8 साल का कोई बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, 8-10 साल के बच्चे थोड़े से कैसे हो जाते, बड़े हो जाते, है ना। लेकिन अब उनसे उन्हें पता चला कि 90% लाना था, 90% लेके नहीं आए, कुछ चीज़ उनसे टूट गई, बहुत कीमती चीज़ थी करके वो तोड़ दी, मेहमानों के साथ में उन्होंने अच्छे से बिहेव नहीं किया, कोई भी ऐसे इवेंट हुए, है ना। उस इवेंट के बाद में 10 साल के हो, एक काम करो, इसके नंबर नहीं आए ना साले, एक काम करो, नंबर नहीं आता ना, पढ़ता लिखता नहीं ना, कपड़े उतारो, मतलब जून का समय चल रहा है, सारे कपड़े उतरवाए, बार बार भेज दिया, गाँव में बहुत होता था, है ना, उन्होंने बोला कि सारे कपड़े निकालो, मारा पीटा हो, चले गए, बाहर भेज दिया। अब उससे जो 10 साल का होगा, 8 साल का होगा, वो एकदम से उसे नेकेट निकाल दिया जाए, क्या उसको अंदर डेवलप होगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। फिर ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या चीज हो रही है हमारे साथ में, या फिर उल्टे ही लटका दिया, बात ही खत्म, इतना पीटा उल्टा लटका दिया। जैसे पुराने लोग थे, वो जो बच्चे नहीं पढ़ते थे, मेरे टीचर थे संस्कृत, वो पढ़ाते थे, वो कहते थे कि हम लोग को कैसे पढ़ाया गया है, कह रहे हम लोग की पहले जो छोटी थी, उस छोटी को कह रहे रस्सी से बांध देते थे, वो कह रहे रस्सी से बांध दिया, तो मैं नींद लगी तो एकदम से बाल खींचते थे, 3 घंटे तो वैसे नींद नहीं आती थी,
और फिर भी तुम सो गए तो फिर उठा के तुम्हें पीटा जाता था, तो 4 बजे के पहले तो सोना ही नहीं है, और तुम सो गए तो डबल पनिश, बेल्ट से मार रहे हो, मारे जा रहे हो, जूते पे जूते, जूते पे जूते मारे जा रहे हो, बच्चा कितना इमोशनली हर्ट हो रहा है नहीं पता। जब हम इस तरीके की हिस्ट्री देखते हैं किसी पेशेंट के साथ में, जब फिजिकल एब्यूज आता है और तो हम लोग के माइंड में इतना फिजिकल एब्यूजनेस, इतना सप्रेशन ऑफ इमोशंस है ना, सप्रेशन ऑफ इमोशन से बोले तुम कभी फाइट किए, कभी जवाब दिया मम्मी पापा को, कभी जवाब दिया, कभी नहीं बोल पाए हम तो, कभी कुछ कह नहीं पाए, कभी कुछ नहीं कह पाए, फिर हम लोग स्टेप से गिरे पर चले जाते हैं और क्या करते रहे, हम पापा में जो बोलते थे हम अपना काम करते रहे, अगर ससुराल में शादी होने के बाद हमें एब्यूज किया गया वहां पर भी हम नहीं बोल पाते, कई बार होते हैं जैसे एब्यूजिंग के लिए एक पाइप थोड़ी होता है बचपन में होता है, कई बार होता है जो फीमेल्स होती हैं शादी होकर दूसरे घर में चली हैं, अब दूसरे के घर में जाने से क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर होता है वो कैसा होता है इनका, जो मैरिड वुमन होती है रैगिंग तो खतरनाक ही होती है हमेशा, उन लोगों के साथ में कैसा होता है, जैसे आप लोग सही बात है जो कॉलेज में जैसे अपनी रैगिंग होती थी, ऐसी जो सासू माँ होती है वो अपनी बहू की रैगिंग करती है, मतलब चाहे वो खाना अच्छा बना हो कैसा भी हो कमी तो निकालनी उसको, ये देखो तुम्हारे घर में कुछ नहीं हो, मम्मी ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, खाने में नमक नहीं डाला, ये देखो ये बहन जी कुछ करेगी नहीं है, ये मैडम जब देखो सोती रहती है, जब देखो पेट दर्द होता रहता है, जब देखो सिर दर्द होता रहता है, कोई बोझ नहीं है, पता चला मेहमानों के सामने तुम्हें डांट दिया, चार लोगों के बीच में बोल दिया, अब वो चीज़ कैसी होती है, अब्बा पे तुम बोल ही नहीं पा रहे हो चीज़ को लेकर बोल ही नहीं पा रहे हो, कैसे बोलते हैं है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, सुबह से उठ के खाना बना देते हैं, झाड़ू भी लगा दी, बर्तन भी धो लिए, सारे काम कर लिए, जवाब ही नहीं दे पा रहे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे, अगेंस्ट ही नहीं जा पा रहे, जब इस तरीके के मिलते हैं हमारे माइंड में क्या आता है यार ये तो ना जा सकती है, अंदर ही अंदर चल रहा है सुसाइडल डिप्रेशन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन हम अपने लिए स्टैंड नहीं कर पा रहे, नहीं ले पा रहे स्टैंड अपने लिए, तुम सोचो कि ना जा हो सकती, स्टेप चाहिए हो सकता है, लेकिन वहां पर तीसरा ड्रग कौन सा चलता है, बर्बरस वगैरह, जो भी हम लोग के माइंड में रहना चाहिए कि जी, या फिर इतना जो फिजिकल एब्यूसिवनेस किसके साथ मिलता है, स्ट्रामोनियम एनाकार्डियम के साथ में, लेकिन स्ट्रामोनियम एनाकार्डियम के साथ में इतना इन लोगों के साथ में सबकॉन्शियसली इतना इन लोगों को परेशान किया जाता है, इतना सप्रेस किया जाता है, इतना इनको एब्यूसिव किया जाता है कि वो कैसा होता है तुम्हारा इंटरनल इमोशनल भी डार्कनेस प्रोड्यूस कर देता है, और इनके साथ में सर्टेन डियर वो इनके साथ में फियर डेवलप हो जाते हैं, अब वो जो डार्क अब वो जो घोस्ट, और एकदम से जब इनका जो सबकॉन्शियस माइंड ब्रेक होता है, जब बढ़ता जाता है वो ब्रेक होता है, तो इन लोगों के साथ में क्या होता है वाइल्डनेस, स्टामोनियम लोग पढ़े ना, एंगर जस्ट लाइक द अर्थक्वेक, कैंट मटेरियल मेडिका का पहला पैराग्राफ वो क्या लिखते हैं कि स्टामोनियम का एंगर कैसा होता है, जस्ट लाइक द अर्थक्वेक क्यों है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग सप्रेशन ऑफ द इमोशंस, सप्रेशन ऑफ द इमोशंस, जितनी चीज को तुम दबाओगे उतना ही वो बैक रिवर्स होकर आएगा, जस्ट लाइक द स्प्रिंग को हम लोग जब दबाते हैं जब दबा के छोड़ते हैं तो उसका अपोजिट रिएक्शन भी कैसा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग आता है इन लोगों के साथ, तो जो मेडिसिन इन लोगों के साथ में सिमिलर कंडीशन होती है, तो यहाँ पे जाके हम स्ट्रामोनियम सोचते हैं, लेकिन स्ट्रामोनियम का जो वाइल्डनेस है, जो एंगर है वो बहुत ज्यादा है, कि केवल विद इन 1 सेकेंड, जैसे बोलते ना अर्थ को एक आता है तो 1 सेकेंड में कैसा होता है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, बोले भूकंप कितने तो टाइम के लिए आता है 90 सेकेंड के लिए आया, सारे घर गिर गए, इतना नुकसान हो गया, इतने लोगों के मर गए, इतना कुछ हो गया, मतलब छोटे से टाइम में 1 मिनट में टीवी टूट गई, बिस्तर पे लात मारी, गेट में लात मारी, मोबाइल तोड़ दिया, 1 मिनट में वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, इतना वायलेंस बरबरस में कभी नहीं होता, इतना फियर ऑफ डार्क जो है कभी नहीं देखने को मिलता है, लेकिन फियर ऑफ अलोन बीइंग दोनों में है, दोनों को सॉलिट्यूड जो फीलिंग होता है, इनको अकेले में इनको कंपनी चाहिए होता है, लेकिन इतना जो डार्कनेस है सबकॉन्शियस माइंड पे वो बरबरस के साथ में देखने को नहीं मिलता है, इस टाइम से गिरे एंगर रहता है, एग्रेसिवनेस रहता है, इंडिग्नेशन की कंडीशंस रहती है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ना जब सोसाइटल टेंडेंसी रहती है, ड्यूटी कॉन्शियस रहते हैं, यहाँ पे टायर्डनेस डेवलप होता है, ये डिफरेंस होता जाता है, तो ड्रग यहाँ पे अपने आप ही अलग होते जाते हैं, वो सबका पैथोलॉजी अलग होता जाता है, ओवर ब्लेमिंग किसी भी चीज़ को है ना, कि यहाँ पे जाके ओवर ब्लेमिंग जो कंडीशन है या क्वारल जो कंडीशन है, जो आपस में जो फाइट होता है, हस्बैंड वाइफ जो आपस में लड़ रहे होते हैं, तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, बच्चे के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर ओवर ब्लेमिंग जैसी कंडीशन, ओवर ब्लेमिंग जस्ट लाइक द बार बार हर चीज़ के लिए तुमने गलत बताया जा रहा है, तुम्हारी वजह से हुआ, जो हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने किया है, ओवर ब्लेमिंग भी इन लोगों के साथ में कैसा होता है, एकदम से जो चीज़ कैसी होती है, मेंटल इमोशनल ब्रेकडाउन में लेके जाती है, तो जहाँ पे इस तरीके से हमें एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे माइंड में वहाँ पे भी ड्रग आना चाहिए, कि जहाँ पे जाके इनर आउटर वर्ल्ड है, कुछ एलिमेंट हैं जो इन लोगों के साथ में, और इस वजह से इन लोगों के साथ में कैसा होता है, सप्रेशन ऑफ इमोशंस देखने को मिलता है, और जो इनके साथ में कंडीशंस होती है, अपन लोगों ने पहले ही बोला था कि जो ये जो मेडिसिन है
बिटवीन द एस्टैब्लिश एग्री एंड थूजा बर्बेरस वल्गरिस, इसलिए लोगों के साथ में कैसा होता है बहुत ज्यादा सीक्रेटिवनेस देखने को मिलता है इस मेडिसिन के साथ में, है ना, इन लोग जो चीजों देखने को मिलता है और सप्रेशन ऑफ इमोशंस है ओवर ब्लेमिंग की वजह से ये लोग किस में चले जाते हैं इनफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, इनको क्या फील होने लगता है नहीं यार मुझे कोई आते नहीं है, हमें कोई प्यार नहीं करता, हमें कोई नॉलेज नहीं है, हमें कुछ कोई हमारा बोले ना कोई पोजिशन नहीं है सोसाइटी में, इसलिए बार बार मन में क्या आता रहता है हमें सोशल पोजिशन बनानी है, सोशल पोजिशन बनानी है, जैसे थूजा का डेवलपमेंट होता है कि थूजा इतना मैनिपुलेटिव क्यों है, इतना सेल्फिश क्यों है थूजा, क्यों, क्योंकि उसके हम इनिशियल लाइफ देखेंगे तो सिमिलर कंडीशन होते हैं कई बार कि उनके साथ में होता है कि उन्हें वो सही चीज़ों के थ्रू जाने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता है, तो वो उसे किस चीज़ के थ्रू पाने की कोशिश करते हैं मतलब मिसलीड मैनिपुलेटिंग नेचर लेके चलते हैं कि हमें जब सीधे नहीं मिल रही है तो हम बोलते हैं ना कि हमें घी जब सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो हम क्या करते हैं उंगली को टेढ़ा कर लेते हैं, उंगली टेढ़ा करना क्या है मैनिपुलेशन, राइट ना, तो इन लोग क्या करते हैं इन लोगों के साथ में होता है कि जब इन्हें लगता है इनफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है अपनी नॉलेज को लेके, जब इन्हें अपनी आइडेंटिटी को लेकर कन्फ्यूजन डेवलप होता है तो ये लोग कैसे होते जाते हैं सीक्रेटिव, हम काम करते हैं जो अच्छे झूठ बोलना सीख जाते हैं मैनिपुलेट करना सीख जाते हैं और जो इस तरीके से जो इन लोगों के साथ नेचर डेवलप होता है जो हम इस तरीके के सिम्टम लेते हैं तब भी हम लोग बर्बेरस के बारे में ना सोचते थूजा जैसी मेडिसिन या अदर्स जो सेल्फिश मेडिसिन है उनके बारे में सोचते रहते हैं, तो सीक्रेटिवनेस भी कैसा है इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सीक्रेटिवनेस केवल इतना नहीं कितना लेवल पे कि जहाँ पर जाके हम अपनी चीज़ें बता ही नहीं रहे कुछ भी, जैसे बोलते हैं ना आप लोग थूजा के लिए पढ़ते हैं जैसे हम कॉलेज लाइफ में तुम लोगों ने देखा होगा जो डॉक्टर्स हैं सभी बैठे यहाँ पे जाके स्टूडेंट लाइफ से निकलोगे हम लोग क्या होते हैं कई लोग कैसे होते हैं उनको पहले से पेपर मिल जाते थे नोट्स मिल जाते थे फिर भी तुमसे पूछेंगे नोट्स हैं यार पेपर है क्या फाइनल का पेपर मिला क्या जी मिला थर्ड ईयर का पेपर मिल गया होगा फिर तुम पूछोगे पेपर है क्या यार तुम्हारे पास कोई है क्या नोट्स वगैरह कुछ है अरे हमें कहाँ मिला है सब कुछ रखा होगा उसके पास में सारे नोट्स होंगे सारे पेपर होंगे लेकिन कभी भी क्या नहीं करना है रिवील नहीं करना क्यों हमें टॉप करना है सोशल पोजिशन चाहिए हम सोशल पोजिशन पर कैसे पहुंच सकते हैं चीटिंग करके है ना जैसे जो मूवी थी ना थ्री इडियट्स है ना थ्री इडियट्स मूवी में आमिर खान भी था और एक चतुर भी था चतुर भी टॉप पे पहुंचना चाह रहा था एम्बिशन उसका भी था अबाउट द सोशल पोजिशन चाहिए टॉप पे पहुंचना है लेकिन उसका तरीका कैसा था मैनिपुलेटिव राइट ना तो इस तरीके के जो सीक्रेटिवनेस इन लोगों के साथ में देखने को मिलता है साइकोसिस जो रीजन लोगों के साथ में देखने को मिलता है इन लोगों के साथ में जो मैनिपुलेशन उनके साथ में देखने को मिलता है तो इन लोगों के साथ में सप्रेशन ऑफ इमोशंस है सीक्रेटिवनेस है जहाँ पे जाके जो पर्सन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन लोगों के साथ में देखने को मिलता है तो इन लोगों के साथ इमेजिनेशन से इनको डर लगने लगता है आइडेंटिटी क्राइसिस जो हम लोग बोले थे जो आफ्टर द सेक्सुअल एब्यूज जो कंडीशन है आफ्टर द फिजिकल एब्यूज तो देखें ना बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ में कैसा होता है मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में चले जाते हैं अनकॉन्शियस जो पर्सन होते हैं पर्सनैलिटी रहती है इन लोगों के साथ में सर्टेन इन लोगों को खुद ही आइडिया नहीं रहता है और जितना एब्यूजिव के बाद में कैसा होता है अनकॉन्शियस जो सब पर्सनैलिटी होती है इनके माइंड में चलती रहती है इन्हें खुद आइडिया नहीं रहता है जैसे आप लोग देखेंगे कई होता है अपने जो अगर साइकोलॉजिकल चीज़ को आप ट्रीट कर रहे हो तो कई लेवल पे देख सकते हो कई लेवल पे साइकोलॉजिकल पेशेंट देख रहे हो तो है ना कई चीज़ों के साथ में कैसा होता है आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर कि जैसे आप लोगों ने अगर एक मूवीज में फिर भी देखता हूँ कई बार होता है मूवी में बहुत अच्छा होमोपैथी सीखने को मिलता है जैसे आप लोगों ने मूवी देखा था अपरचित अगर तुम लोगों ने देखी होगी किसी ने अपरचित मूवी साउथ इंडियन मूवी है अपरचित उस मूवी को देखना उसमें पूरा कॉस्टिकम और स्टेविस एग्रिया का पिक्चर चलता है उसको इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है आउटर इंप्रेशन के लिए कि अंदर से उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है उसे खुद याद नहीं रहता कि उसके अंदर तीन पर्सनैलिटी चल रही है तो जो इस तरीके की जो सब पर्सनैलिटी जो रहती है अनकॉन्शियस लेवल पर कॉन्शियस उसे आइडिया ही नहीं है उसके अंदर एक पर्सनैलिटी और भी एक पर्सनैलिटी और भी है उसके साथ में जो सब पर्सनैलिटी कई होते जो मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं पर्सन उनके पीछे बेसिक रीजन क्या होता है कई बार फिजिकल एब्यूज और सेक्सुअल एब्यूज जैसे कंडीशन देखने को मिलती है लोगों के साथ में है ना जिनके साथ में कैसा होता है कई बार जो पेशेंट होते हैं सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं सेल्फ हार्म जैसी कंडीशन हो जाती है डेली लाइफ में इंगेज नहीं हो पाते हैं है ना जो पेशेंट्स हैं कई बार होते हैं इन लोगों के साथ में कैसा होता है मेमोरी कुछ आइडिया नहीं रहता टोटल डिसरप्शन ऑफ मेमोरी जो कंडीशन लोगों के साथ में देखने को मिलती है तो सब पर्सनैलिटी जो सब मेंटल लेवल पे जो जब लोग अफेक्टेड होते हैं तो कई जो अनकॉन्शियस और जो बोले जो इन लोगों में या बोले हम लोग मल्टी पल जो पर्सनैलिटी होती है उनके साथ में इधर होते तुम्हारा सफर करने लगते हैं है ना जब इन्हें खुद आइडिया नहीं रहता हम हैं क्या जैसे थूजा के साथ हम लोग पढ़े ना इतना झूठ बोलते जाते हो
सीक्रेटिव जो लोग होते हैं, साइकोटिक लोग होते हैं, इतना झूठ बोलते जाते हैं कि उन्हें कई बार खुद ही याद नहीं रहता है कि सही क्या था झूठ क्या था। ये भी क्या है, आइडेंटिटी क्राइसिस, स्प्लिट ऑफ पर्सनैलिटी, कि तुम्हारा आउटर पिक्चर इतनी अलग हो गई है कि इनर पिक्चर क्या है खुद ही भूल गए। मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसा, जिन्हें खुद आइडिया नहीं रहता, तो जो चीज़ होता है इन लोगों के साथ बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलता है। तो जो सप्रेशन होते हैं इमोशंस है, सीक्रेटिवनेस इन लोगों के साथ बहुत स्ट्रांग देखने को मिलता है। तो एक पार्ट है यहाँ पे जो ड्रग का, कि जहाँ पे जाके इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रग को ले सकते हैं, पकड़ सकते हैं, पेशेंट के साथ कैसे कर सकते हैं वर्स्ट लेवल पे। हर ड्रग के जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं डिफरेंट लेवल पे अलग अलग तरीके से होते हैं, हमेशा सारे लेवल से पेशेंट के साथ में मिले जरूरी नहीं। तो वन ऑफ लेवल कि जहाँ पे जाके पेशेंट हमें आ रहा है, जब फिजिकल एब्यूसिव की कंडीशन है, सेक्सुअल एब्यूसिव की कंडीशन है, ओवर ब्लेमिंग की कंडीशन है, क्वारल जो कंडीशन है, फाइटिंग की कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन है, मॉरलिटी जहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रही है, उसका पर्सनैलिटी चेंज हो रहा है एक पॉइंट, अगर इस लेवल पर पेशेंट देखने को मिल रहा है। और जो हम लोगों ने पैथोलॉजी पढ़ा हुआ है सर्टेन, वो अगर रिलेट हो रही है, तो हम डेफिनेटली वहां पर क्या कर सकते हैं, बर्बेरिस बल्गेरिस जैसी मेडिसिन को सोच सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होता है। कई बार होता है जो पेशेंट्स होता है, यहाँ पे जाके तुम देखोगे यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है, अगर एक जो क्या लिखा हुआ है एल एनसाइक्लोपीडिया, अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो एल एनसाइक्लोपीडिया में क्या एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एक सेंटेंस, क्या लिखा हुआ है, किसी ने अपनी पढ़ी बर्बेरिस पढ़ी नहीं एनसाइक्लोपीडिया से, अच्छी चीज है ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया में उन्होंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एलएन ने लिखते हैं स्पिरिट ऑफ इंट्रेपिडिटी, स्पिरिट ऑफ इंट्रेपिडिटी ठीक है ना। उन्होंने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं पर्टिकुलर, बहुत शानदार लिखे हैं। एक तो सेंटेंस था ए स्पिरिट ऑफ इंट्रेपिडिटी, और एक सेंटेंस लिखा था सी एक्सपीरियंसेस सर्टेन इल विल, जो हम लोग बोल रहे हैं मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एल एनसाइक्लोपीडिया में मेंशन है। और यहाँ पे जो जो सेंटेंस है स्पिरिट ऑफ द इंटरप्रिटिटी, मतलब जो पेशेंट कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग करेजियस ऑप्टिमिस्टिक पेशेंट, जो एलएन लिखते हैं। क्या इसका मतलब होता है, कि जहाँ पे जाकर कोई पेशेंट ऐसा आता है अपने पास में क्लिनिक पे, एक ऐसा पेशेंट आता है जो किससे सफर कर रहा है, बिग डिसीज, बिग डिसीज जैसे लाइक द कैंसर, जैसे लाइक द लिवर फेल्योर, जैसे लाइक द लिवर रीनल लिवर फेल्योर, रीनल फेल्योर, ऑर्गेनिक फेल्योर, एनी टाइप ऑफ है ना, जहाँ पे जाके कैंसर, कैंसर मीन्स जहाँ पे स्टाम्प ऑफ द डेथ, कैंसर किसी को हो गया तो एक स्टाम्प की डेथ लग का स्टाम्प तो लग ही गया है, कब जाएगा नो आइडिया किसी को, लेकिन जाएगा बोलते कन्फर्म है 60-70% केसेस में, 30% में बच भी जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम डेथ में निकल जाते हैं। अब जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके साथ में इस तरीके से ऑर्गेनिक पैथोलॉजी डेवलप हो गया, कैंसर जैसी कंडीशन डेवलप हो गई है, तो तुम देख रहे हैं जनरल क्या होता है इन पर्सन के साथ में, हर एक पर्सन के साथ में एंजाइटीज डेवलप होती हैं। यार क्या होगा, हमारा जिंदा रहेंगे कि नहीं, मर तो नहीं जाएंगे, हेल्थ कैसी रहेगी, अब तो यार हमारा कुछ रहेगा, सही होगा कि नहीं होगा, सही होंगे कि नहीं, और सारे लोग क्या करते रहते हैं, कंसोल करते रहते हैं, हाँ ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं है, कैंसर ही तो है, कुछ नहीं है, फेल्योर ही तो ऑर्गन फेल्योर जो भी चल रहा है, ठीक हो जाओगे, जैसे कोरोना में चल रहा है ना, जिसको कोरोना हो जा रहा है उनके साथ में आइडिया पहले माइंड में क्या चल रहा है, तो अब नहीं बचेंगे लोग उनकी सपोर्टिव क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं आप ठीक हो जाओगे, चिंता नहीं है, कोरोना तो है यार, 90% लोग ठीक हो रहे हैं, उनको क्या करते रहते हो, मेंटल इमोशनल लेवल पे हेल्प करते रहते हो, कॉन्फिडेंस देते रहते हो, नहीं ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, है ना, ये जनरली जब बिग डिसीज सफर करते हो। लेकिन तुम्हें पेशेंट एक अपोजिट मिले, एक अपोजिट पेशेंट मिले, अपोजिट पेशेंट कैसे, कि जहां पर स्पिरिट ऑफ द इंटरप्रिटिटी, जहां पर पेशेंट आए उसको कैंसर हो गया है, उसके फैमिली मेंबर क्या कह रहे हैं, अरे यार कैंसर हो गया, अब क्या होगा यार, अब किसको दिखाएंगे, कुछ हो तो नहीं जाएगा, और पेशेंट क्या बोला, अरे कुछ नहीं होगा, तुम शांत बैठो, है ना, ठीक हो जाएंगे हम, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो पेशेंट कैसा है, ऑप्टिमिस्टिक, कि जहाँ पे जाके उसको कंसोल के लिए जाना चाहिए था कि लोग उसे कंसोल करें, लेकिन पेशेंट अपने अटेंडर को कंसोल कर रहे हैं जहां पे जाके, इसलिए उन्होंने क्या बोला स्पिरिट ऑफ द इंटरप्रिटिटी, जहां पे जाके कैसा है, टोटल फियरलेस पर्सन है, कोई डर ही नहीं है, साला डेथ होगी तो हो जाएगी ना, डरना क्या उस चीज को लेकर, मतलब कि वो जहां पे लोगों को लगता है कि इसको क्या चाहिए था, कंसोलेशन चाहिए था, वो उल्टा कंसोल कर रहा है लोगों को। तुम्हें अगर ऐसा अपोजिट पर्सनैलिटी मिले, वहां पर डेफिनेटली मेडिसिन कौन सी है, इतना ऑप्टिमिस्टिक, इतना करेजियस,
इतना इंटरप्रिटिटी जैसी चीज, चीयरफुलनेस विद द स्ट्रॉन्ग डिसीजेस विद द फोर्थ ग्रेड डिसीजेस, जहाँ पर जाके कैसा फैटल डिसीजेस, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस, जहाँ पर जाके लाइफ जैसा कभी भी जा सकता है, किसी को हो सकता है, लेकिन पेशेंट ऑप्टिमिस्टिक, अरे कुछ नहीं होगा, मतलब वो दूसरे लोगों को कंसोल कर रहे हैं, लोग उसको उसको कंसोलेशन चाहिए नहीं है, ये कैसा है, यूनिक पॉइंट है इस ड्रग का, यूनिक पॉइंट, अलग पॉइंट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मेडिसिन के साथ में, कि जहाँ पर इतनी ऑप्टिमेसी, कितना बॉर्डर लाइन पे चल रहा है, फैटल डिसीज से चल रहा है, मरने वाले सब लोगों को चिंता है, और पेशेंट चीयरफुल चल रहा है, खुश चल रहा है, अरे ठीक है कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक सिंगल एंजाइटी देखने को नहीं मिल रहा है, सिंगल फियर देखने को नहीं मिल रहा है अबाउट द डेथ, सिंगल एंजाइटी देखने को नहीं मिल रही है अबाउट द हेल्थ, कुछ नहीं मिल रहा है। ये अगर अनकॉमन किसी पेशेंट के साथ में ऐसा देखने को मिल रहा है विद द फैटल डिसीजेस, वहां पर केवल एक ही ड्रग है, बर्वेरस वल्गरिस या अदर कुछ और ड्रग हो सकती है, लेकिन बर्वेरस वल्गरिस कैसा है, अपना स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से एक ड्रग है इस चीज को लेकर। तो इसका एक दूसरा पॉइंट है जो जो आप लोगों ने देखा था, फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, और जहां पर जाके पेशेंट के साथ में जो मॉरलिटी जो उसका हरेस हुआ है, एक पार्ट है, ऑप्टिमिस्टिक, चीयरफुलनेस, करेजियस, इसका एक पार्ट है, एक अलग लेवल है, जहां से अगर पेशेंट आ रहा है तो हम इस लेवल से पेशेंट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो बोला है, एक सेंटेंस को इतनी जगह पर डाला हुआ है, इंटरप्रिटेड देखो एलेंस की, जो एलेंस साइक्लोपीडिया से अपन लोग का है, ठीक है। सिक्रेटिव हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, अनकॉन्शियस जो पर्सनैलिटी है उसको हम लोगों ने देखा है, और जो पर्सन है जनरली क्योंकि 11 बज ही गया है, हम लोग भी सोने के लिए जा रहे होंगे, परेशान हो गए होंगे, एक तो मेरी क्लास में मुझे अपने टाइम का नहीं रहता है, क्योंकि हमारी एकेडमी क्लास चलती है वो 3-3-4 घंटे की चलती है, तो हम लोग वही हैबिट रहती है, और यहाँ पे हम लोग फिक्स टाइम है, फिर भी हम लोग शॉर्ट शॉर्ट थोड़ा सा लेके चलते हैं। ये हम लोग सारा समझा चुके हैं, एम्बिशन सुसाइड पोजिशन है बिकॉज क्यों है, हम लोगों ने डिस्कस किया था, और इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने डिस्कस किया था क्यों है, एक तो नॉलेज को लेके, और जो इसको बार बार इसको ब्लेम किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, और जो आफ्टर द सेक्सुअल एब्यूजिंग कंडीशन के बाद में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, इसलिए लोग सोशल पोजिशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, अटेंड करने की कोशिश करते हैं, है ना। और एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मदर वुमेन, ये भी अच्छी चीज है इस मेडिसिन के साथ में, क्योंकि एज ए वुमेन और मदर दोनों चीजें कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। एज ए वुमेन हमारा साइकोलॉजी, हमारे इमोशंस, हमारे डिजायर्स अलग होते हैं, है ना, क्योंकि और जनरली आफ्टर द मैरिज वो चीजें कैसे होती है, चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो एज ए वुमेन उनको पता चला कि नहीं यार सेक्सुअल रिलेशनशिप ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है, और आफ्टर द रिलेशनशिप जब पता चला एक्चुअल उस चीज को फील किया, गलत चीजें होने की चाहिए था, बिकॉज कोई फीलिंग ही नहीं है, फीलिंग नहीं है बिकॉज ऑफ द कोई ऑर्गेजम ही नहीं है, कोई डिजायर ही नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं है पेशेंट को, और उसके पीछे बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस ऑफ इमोशंस, ड्राइनेस बिकॉज ऑफ द, इतना एब्यूजिव जाएगा पर्सन तो इन चीज़ों के लिए कहाँ इंटरेस्ट जाने वाला है पेशेंट के साथ में, तो लोग ज्यादा ड्राइनेस हो तो भेजा ना जो देखने को मिलता है। तो ये लोग जो कई पेशेंट ऐसा देखने को मिल रहा है, तो कोई पेशेंट उन्होंने बोला डॉक्टर साहब जब से प्रेगनेंसी हुई तब से तो मनी हट गया है, जब से अबॉर्शन हुआ मनी हट गया है, डिलीवरी हुई थी मनी हट गया है, कोई पेशेंट तो मैं ऐसा देखने को मिल रहा है, ये जहां पर जाके आफ्टर द डिलीवरी, आफ्टर द प्रेगनेंसी, आफ्टर द अबॉर्शन सेक्सुअल डिजायर द फिनिश। दो मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग आती हैं, एक बर्वेरस वल्गरिस, और दूसरा कौन सा मेडिसिन होता है, कौन सा मेडिसिन है दूसरा, प्लैटिना, प्लैटिना कहां होगा, प्लैटिना इज मोर मोटर रिलेशन, सेपिया, सीपिया, सीपिया। ऐसे एबर्शन टू सेक्स में चार मेडिसिन हमेशा याद रखना जिनके साथ में हमेशा देखने को मिलता है, सीपिया है, नेक्टरम्यूर है, कॉस्टिकम है, ग्रेफाइटिस और बर्वेरस वल्गरिस, ये पांचों मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और स्पेशली सीपिया आफ्टर द डिलीवरी, आफ्टर द प्रेगनेंसी, आफ्टर द अबॉर्शन, बिकॉज ऑफ तीनों टाइम पे हॉर्मोन्स कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, हॉर्मोन्स चेंज होने की वजह से डिजायर भी क्यों हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इन लोगों के लिए कैसा लगता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, शादी करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और मदर बनने के बाद तो सारी फीलिंग्स गायब हो जाती हैं, और वुमेन्स तक जब इनको जो डिजायर रहता है वो एक्चुअल रिलेशनशिप में जाते हैं तो नथिंग टू फील, और जहाँ पर सेक्सुअल एबोर्शन जैसी कंडीशंस होती है उनको तो एबोर्शन हो जाता है, यार कुछ होनी नहीं चाहिए इस तरीके से, होनी नहीं चाहिए, शादी तो करनी नहीं चाहिए, कोई मतलब ही नहीं शादी करने का, बैन द रीजंस, बैन द बैक में कारण लोग देखेंगे, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मदर्स और वुमेन्स को लेकर लोगों में जो देखने को मिलते हैं बर्वेरस वल्गरिस के साथ में, और बाकी जो एवर्जन टू सेक्स जो बोलो थे, एक अच्छा पॉइंट है इसमें, जब भी अलग ड्रग के साथ में कंपेरिजन करना पड़े, आपको लगे बर्वेरस है या अदर मेडिसिन है,
हमें लग रहा है कि बर्बेरस ही है, तो इसके साथ में हरिडनेस बहुत मिलता है, हरिडनेस हरिडनेस तो हरिडनेस स्पेशली किस चीज को लेके, ईटिंग को लेके, ईटिंग ड्यूरिंग, जब वो खाना खाते हैं जल्दी 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 जल्दी, है ना, किसी की एक रोटी हो तो इनकी चार रोटी खा लेते हैं, जहाँ पे जाके किसी का दो पूड़ी होते हैं इनका आठ पूड़ी खा के खत्म कर लेते हैं। तो जो अगर हरिडनेस इसका कैसा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हरिडनेस तीन चार मेडिसिन जो इसके साथ में, जैसे हिपर सल्फ है ईटिंग ड्यूरिंग में, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, और उसमें तुम्हारा ये ड्रग बर्बेरस वगैरह भी है जो हमारे माइंड में आना चाहिए। और ये जो फोबिया है इनके साथ में, फियर फोबिया है ट्यूबलाइट को लेके, जो इनको सर्टेन डेल्यूजन्स आ जाते हैं ये ट्यूबलाइट में, इनको चीज़ें होती है बड़ी लगती हैं, चीज़ें डेल्यूजन्स रहते हैं कि चीज़ें बड़ी हो गई हैं, एनिमल्स बड़े हो गए हैं ट्यूबलाइट में, इनको जो फैंटम्स हैं इनको घोस्ट का डर लगता है, जो जितने भी हैं सुसाइडल डिस्पोजिशन है मैसेज ड्यूरिंग, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं लोगों के साथ में। और डिजायर सॉल्ट का है, एवर्जन मिल्क का है, वो तो बहुत खास स्ट्रॉन्ग नहीं है डिजायर एवर्जन, लेकिन यहाँ से भी हम लोग थोड़ा सा पकड़ के चल सकते हैं ड्रग को, जहाँ पे अगर कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो डिजायर फोर सॉल्ट एवर्जन फोर मिल्क है। वैसे इसका चेहरा ऑयली ग्रीसी होता है जैसे लाइक इग्निशिया नेट्रोम्यूरोब्राइनिया, तो ये किसका ये भी पॉइंट है। और जो फेस पर परस्पायरेशन होता है बहुत ईजिली आता है सलाइटिक जैसे, ये इसका अलग सा पॉइंट है, यूनिक पॉइंट आता है। यहाँ से हम इसके कंपेरिजन के साथ में इस ड्रग को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में लेके आ सकते हैं। एक शॉर्ट ऑफ आइडिया दिया है, और ये डिफरेंट जो ऑर्गेनिक लेवल पैथोलॉजी आता है इसका, जो इमोशनल जितनी भी इंजुरीज होती हैं वो ऑर्गेनिक पैथोलॉजी में चेंज हो जाती है, कि जो पेशेंट है वो एक साथ सफर कर रहा है किडनी लिवर ज्वाइंट को लेके और सेक्सुअल स्पेयर को लेके इमोशनल इंजुरी के बाद में, तो एक ये भी पार्ट है। तो जो ये जो पार्ट है जो फिजिकल लेवल का, इसके बैक में कई बार इमोशनल और मेंटल इंजुरीज होती है, वो रीजन होता है जितने भी हम लोगों ने प्रॉब्लम पड़ा था इन लोगों के साथ में। तो हम लोगों ने फिजिकल जनरल मेंटल जनरल सबको लेके हम लोग को जहाँ लग रहा है हम लोग वहाँ पे बर्बेरस बल्गेरस जैसे मेडिसिन को प्रिस्क्रिप्शन में लेके आ सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। सर हाँ बोले, ये आपने बताया कि ये जो उसको कैंसर वगैरह जैसी फेटल बीमारियां होती है तो उसको कुछ एंग्जाइटी बहुत कम दिखती है हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, जो पेशेंट होता है उसको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा हमें सर। हाँ, तो उसमें हम वो कंटेंटमेंट और इंडिफरेंस से कैसे इसको थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक ही कैसे समझ ले, कैसे मान लो पेशेंट इंडिफरेंस है या फिर कंटेंटमेंट है ओपियम जैसा, तो फिर कैसे हम इसको ऑप्टिमिस्टिक, आपने बताया ना ये इसका एक पार्ट है, ये पार्ट है ऑप्टिमिसिस का। इसके साथ में एंजाइटीज नहीं है, डिपेट्री के थ्रू भी जाओगे तो भी नहीं है, फियर नहीं है इतने सर्टेन हेल्थ और इसको लेके डिसीज को लेके। और जो जो इंडिफरेंस की जो कंडीशन है वो इनके साथ में टायर्डनेस रहता है, डिसीज का डर नहीं रहता है, इमोशनली टाइटनेस रहता है। इंडिफरेंस अगर बिहाइंड द रीजन भी देखोगे तो टाइटनेस है, थक गए हम फाइट करते करते लड़ते लड़ते, जो अपन लोग स्टार्टिंग में बोले थे कोरोना फटीक में चले गए, लेकिन बीमारी की वजह से मर जाएंगे वो कोई डर नहीं है। क्योंकि जब बड़ी बीमारी होती है तो हमारे साथ में फियर भी डेवलप होता है हम लोगों के साथ में, क्या मर तो नहीं जाएंगे इस बीमारी के साथ में, वो चीज़ कभी देखने को नहीं मिलेगा। इंडिफरेंस हो सकता है, इंडिफरेंस होगा बिकॉज ऑफ द टाइटनेस ऑफ द इमोशंस, मजा नहीं आ रहा लाइफ में, कुछ है ही नहीं, कुछ लोग अच्छे ही नहीं है इसलिए इंडिफरेंस हो गया। लेकिन डिसीज जो फैटल डिसीज है उसके साथ में तुम्हें हमेशा ऑप्टिमिसी देखने को मिलेगी, उसका कोई फियर देखने को नहीं मिलेगा कुछ के साथ, तो कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक यानी मैं पॉजिटिवली रिवर्स हो जाऊंगा, इस टाइप का ऑप्टिमिस्टिक बता रहे हैं सर आप? नहीं, ये पॉजिटिव ही रहते हैं, पॉजिटिव ही रहते हैं कि डिसीज की कंडीशन आने में भी नेगेटिव नहीं होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है हम नेगेटिव कब होते हैं जी, जब हमारा जैसे अभी फियर आ जाता है, जब हमारे साथ में हाँ जब सराउंडिंग चेंज होती है हमारे, जब डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं तो नेगेटिव होते हैं ना, जब डिफिकल्ट सराउंडिंग नहीं होगी डिफिकल्ट कुछ होगा नहीं तो हम तो पॉजिटिव ही रहते हैं हम लोग हमेशा, लेकिन लोग डिफिकल्टीज के साथ भी ऑप्टिमिस्टिक देखने को मिलती है, इसलिए अलग चीज है यूनिक चीज है। क्योंकि अगर सपोज किसी को फैटल डिसीज हो जाए तो एक बार तो लगेगा ना यार यार मर जाएंगे क्या होगा, नहीं आएगा, एक कॉमन सी चीज है ना। लेकिन वहीं पे कोई पर्सन बोले कि नहीं यार हम दूसरे हम हो जाएगा क्या फर्क पड़ रहा है, दूसरे लोग कह रहे तुम रो नहीं, मम्मी तुम बैठो पापा तुम बैठो चुपचाप,
भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाऊंगा मैं, कोई इशू नहीं है, वो बढ़िया खा पी रहा है, टीवी देख रहा है, कोई इशू नहीं चल रहा उस साथ में, मतलब तो सिंगल एक एंजाइटी देखने को नहीं मिल रही, ये क्या है इसका अनकॉमन चीज ड्रग का, ये अलग है पार्ट, अलग पार्ट है, अगर ऐसा पेशेंट देखने को मिल रहा है तो बर्बेरस जैसा मेडिसिन सोचना पड़ेगा वहां पर। और ओपियम से कैसे डिफरेंस करेंगे कंटेंट जैसा, ओपियम अलग है, ओपियम ड्रग अलग है, ओपियम ड्रग अलग है, ओपियम का पैथोलॉजी अलग है, एलिमेंट्स अलग है, सब कुछ अलग है ओपियम का, ओपियम टोटल ड्रग अलग है। ओपियम के साथ में देखोगे तो वहां पे जाके जो स्ट्रॉन्ग एम्ब्रेसमेंट है, इंडिग्नेशन से, और उसके साथ में जो पेशेंट चला जाता है तो उनका जो पूरा ड्रग अलग चला जाता है, बर्बेरस नहीं है, बर्बेरस उसका कंपेरिजन नहीं है, जिस ड्रग के साथ में कंपेरिजन होता है मैं हाल ही बोलता जा रहा हूँ उसके साथ। ठीक है और कोई क्वेश्चन? और आपने ये So I think we must call for the day and we can continue tomorrow. As of now, the queries which came. Yes, please continue, Dr. Bhavesh. Yes. हाँ, ये आपने सर स्ट्रेमोनियम का बताया हमको और उसके साथ एनाकार्डियम का आप बता रहे थे कुछ आगे। हाँ, क्योंकि एनाकार्डियम और स्ट्रेमोनियम में दोनों को फिजिकल पनिशमेंट बहुत मिलती है जी। एनाकार्डियम को होता है अपने आपको बार बार प्रूव करना पड़ता है और स्ट्रेमोनियम के साथ भी स्ट्रॉन्ग सप्रेशन ऑफ इमोशन देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट, छोटी मोटी पनिशमेंट नहीं, स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट। स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट मतलब कि तुम्हें सीधा सुबह से शाम तक के लिए लेटर में बंद कर दिया, निकलोगे नहीं तुम बाहर। ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने पेशेंट देखा हुआ, जो पेशेंट आता था उसकी जो बाइक दिखाने के लिए आती थी वो मिलिट्री में था उसका हस्बैंड, तो वो बाइक कोई गलती करती थी तो वो लैटिन में बंद कर देता था, गेट लगा के भाग जाता था, रात को खुलेगा 10 बजे, बंद रहो लैटिन में, ये क्या है स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट? मतलब स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट ड्रग अलग है, इसलिए लोगों के साथ में वाइल्डनेस भी उतना लेवल पर है उनका, इसलिए लोग क्या तुम्हारा एनाकार्डियम सैडिस्टिक है कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको, एंटी सोशल मेजेंट्रोफी जिन लोगों के साथ में देखने को मिलती है। एनाकार्डियम की रूब्रिक क्या है? अनफीलिंग, बॉर्डरलेस, मेजेंट्रोफी है ना ये रूब्रिक, फीलिंग्स मोनोट्रॉप, मोरालिटी नहीं है, तो क्यों है ये चीजें इनके साथ में? इसलिए बोले ना कि रैगिंग जब तुम्हारी होती तो दो होता है ना, जब किसी पर्सन की रैगिंग होती तो ये क्या बोलता है यार रैगिंग बहुत बुरी चीज होती है, नहीं लेना चाहिए, हमारी होती हम किसी की नहीं लेंगे, और भाई दूसरे एक ही रैगिंग होती तो वो क्या बोलता है बेटा हम फर्स्ट ईयर में जब हमारी इतनी हुई तो जब हम सीनियर बनेंगे तो हम डबल लेंगे। रिएक्शन तो सेम आया है ना, मतलब कॉस्ट तो एक ही था लेकिन रिएक्शन कैसे हैं अलग अलग तरह के, डेवलपमेंट अलग अलग है। एनाकार्डियम और स्ट्रेमोनियम जैसा लग सकता है बिकॉज़ ऑफ सप्रेस ऑफ द इमोशंस, लेकिन भाई भी मैंने डिफरेंशिएशन इसलिए किया हुआ है कि वहाँ पे ड्रग है नहीं, वो भी इतना इसमें ना वाइल्डनेस है ना इस ड्रग के साथ में इतना सैडिस्टिक बिहेवियर है ना मोरालिटी जो है कि एकदम से डाउन है, मोरालिटी है लेकिन वहाँ पे जाके कैसे तुम्हारा सबकॉन्शियसली चल रहा है और उसको पैथोलॉजी बढ़ता जा रहा है, एक्सप्रेसिव नहीं है, स्टैंड आउट नहीं है किसी भी तरीके। हाँ, एनाकार्डियम कंफ्यूजन में ज्यादा चले जाते हैं ना। हाँ, एनाकार्डियम तो मेमोरी उसका ब्रेक डाउन लास्ट में चले हो जाता है, वो एक अलग उसका है। देखो हर ड्रग के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लेवल्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग इसी को बोलते हैं, क्योंकि हर एक सारे लेवल तो सारे लेके नहीं आ जाएगा ना पेशेंट। नहीं नहीं सही है, सही है। किस लेवल से उसकी वाइटलिटी एक्सप्रेस कर रही है इसको पकड़ना जरूरी होता है। अब जितना आप लोगों ने पढ़ा एक पेशेंट में तो नहीं मिलेगा, डिफरेंट लोगों में मिलेगा, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पेशेंट में मिल जाए सब कुछ, ऐसा भी हो सकता है, तो डिफरेंट लेवल्स होते हैं जहाँ से लिख सकते हैं हम। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलो आराम से खाओ पियो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अ नाइस प्रेजेंटेशन, सी यू टुमारो, थैंक यू ऑल, सी यू टुमारो, गुड नाइट।